Alright friends, so we'll continue now. This is your chapter number 10 and unit 2 and treasury and cash management. Treasury and cash management. तो उसका सबसे पहला अगर अपन पार्ट देखें कि अपने को कैसे कैश को मैनेज करना है, उसके लिए अपन एक पार्ट डिस्कस करेंगे टुडे, इज ए कैश बजट. ये कैश बजट क्या होता है पहले जरा आप लिख लीजिए. मीनिंग ऑफ कैश बजट, मीनिंग ऑफ कैश बजट, मीनिंग ऑफ कैश बजट. इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग फ्यूचर एस्टिमेट्स. इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग फ्यूचर एस्टिमेट्स. इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग फ्यूचर एस्टिमेट्स. ये क्या रहेगा, फ्यूचर के एस्टिमेट्स के बारे में रहेगा. इट मीन्स एस्टिमेट्स, राइट. दिस एस्टिमेट वी विल डिवाइड इन टू, वन इज योर रिसीप्ट साइड एंड वन इज योर पेमेंट साइड. अभी कंपनी को क्या करना पड़ता है कि पूरे साल के लिए, पूरे नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनी एक एस्टिमेट करती है कि हर महीने में हमें कहाँ से पैसा आएगा और हमारा कहाँ पैसा जाएगा. अगर शॉर्ट फॉल हुआ तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास एक्सेस फंड हुआ तो हमको क्या करना है, उससे रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है. रिसीट्स एंड पेमेंट रिलेटेड टू योर कैश बजट. कैश बजट में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट कि भाई हमें पहले हमको कैश चाहिए, कैश का एक मिनिमम बैलेंस हमारे पास होना चाहिए, बराबर. फिर हम लोग सेल करेंगे तो थोड़ा हम सेल कैश में करेंगे तो इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा. कैश में अगर नहीं करते, अगर हम क्रेडिट पे सेल करेंगे तो डेटर से हमको कलेक्शन होता रहेगा. डेटर से हमको किस तरह से पैसा वापस अपने को मिलेगा, अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हमें उसके ऊपर क्या रिटर्न आ रहा है वो हमारा इनकम हो जाएगा. आर यू गेटिंग. पेमेंट में मटेरियल के लिए हम लोग पेमेंट करेंगे, वेजेज लेबर ओवरहेड के लिए पेमेंट करेंगे, उसका क्या टर्म्स रहेगा. हमने किसी से लोन ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे हम लोग, हमको डिविडेंड पे करना है, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो ये कैश बजट हमको इसके लिए बनाना पड़ेगा. तो हमको ये देखना पड़ेगा कि सपोज अगर अपना कैश बजट का पीरियड सपोज जैन फेब एंड मार्च तीन महीने का है, तो जैन फेब मार्च तीन महीने के अंदर हमको कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ पैसा जाएगा. एक्सेस रहेगा तो हमें क्या करना है, अगर हमारा शॉर्ट हो गया तो हमें क्या करना है. तो इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सीक्वेंस के लिए सबसे पहले आप देखिए जरा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर. दिस इज योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हम आपको देंगे क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 10.48. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर मैं आपको दूंगा क्वेश्चन नंबर 9 एंड पेज नंबर 10.48. मेरा फ्रेंड्स आपको ICI मॉड्यूल इन डीकेसी फॉर्मेट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 एंड पेज नंबर 10.48. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड अजम्पशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड अजम्पशन दैट द कैश बैलेंस इन हैंड ऑन 1st January 21 is 72,500. Prepare a cash budget. हमारे पास opening cash balance है 72,500. Opening cash balance कितना है हमारे पास, 72,500. और हमको cash budget बनाना है for Jan, Feb, March, अप्रैल, मई, जून. ऐसे तो ये देख के रखते हैं क्वेश्चन में कि आपको कितने टाइम के लिए बनाना है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल 6 महीने की उसके लिए हम लोग बना देंगे. एज्यूम दैट 50% ऑफ द टोटल सेल्स आर इन कैश. जो भी सेल्स हम लोग करेंगे फ्रेंड्स वो 50% क्या रहेगा आपका, ऑन कैश और 50% ऑन क्रेडिट. तो जो आपका कैश सेल्स है, जो आपका कैश सेल्स है वो तो आपको सेम मंथ में आपका कलेक्ट हो जाएगा. जो भी आपका कैश सेल्स है वो आपका क्या हो जाएगा बोलो, सेम मंथ में आपको कलेक्ट हो जाएगा. लेकिन जो क्रेडिट सेल्स है वो आपको कब मिलेगा,
क्या बोल रहे हैं, एज्यूम दैट 50% ऑफ द टोटल सेल्स आर कैश सेल्स, एसेट्स आर टू बी एक्वायर्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड अप्रैल, फेब एंड अप्रैल में आपको क्या करना है, पेमेंट फॉर 8,000 rupees एंड 25,000 rupees, दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके लिए भी आपको पैसे की अरेंजमेंट करना पड़ेगा. Therefore, provision should be made for payment of 8,000 rupees फरवरी में आपको पेमेंट करना है, 25 आपको अप्रैल में करना है. An application has been made to the bank for grant loan 30,000 and it is hoped that the loan will be received in the month of May. May में आपकी receipt side में एक loan आपको मिल जाएगा bank से and loan amount है आपका 30,000. ठीक है. It is anticipated that the dividend of 35,000 will be paid in June. June में आपको क्या pay करना है, 35,000 का dividend आपको pay करना है. ठीक है. Debtors are allowed 1 month credit. ये जो credit sales हो रहा है उसको हम कितना credit देंगे, 1 month credit. 1 month and credit. 1 month credit. Sales commission 3% of the sales. Sales का जो commission है that is 3% of the sales. It is anticipated that the dividend 35,000 paid in June. Debtors are allowed for 1 month credit. Creditors for material purchased and overhead grant 1 month credit. It means creditors and जो भी आपके overhead हैं उनसे हमको क्या मिलेगा, 1 month का credit. किसी को हम credit दे रहे हैं, किसी से हम credit ले रहे हैं, उसके बाद जो भी हमें balance बचेगा वो हमको देखना है कि भाई हमको उसका क्या करना चाहिए. सही आसन हो, ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्किंग नोट्स, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम होगा नहीं. आपको मंथ जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून दे रखा है, सेल्स दे रखा है, मटेरियल दे रखा है, सैलरीज एंड वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड. अब आप बताइए, फॉर्मेट पहले मैं आपको दे देता हूँ. दिस इज फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन एंड अजम्पशन दैट द कैश इन हैंड ऑन 1st January प्रिपेयर ए कैश बजट. दिस इज योर कैश बजट, इट इज ए कैश बजट. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दिस इज योर कैश बजट. ओके, तो कैश बजट में सबसे पहले अपने को क्या करना है, इट मीन्स दिस इज योर, आप वापस से इसको ले लीजिए, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग कैश बजट फॉर जैन टू जून एंड दिस इज 21. ओके, एक आपका हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा रिसीप्ट साइड, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून. फर्स्ट इज ए रिसीप्ट साइड, मीन्स कहाँ कहाँ से आपको पैसा आएगा, कहाँ आपका पैसा जाएगा, अगर शॉर्टेज हुआ तो क्या करना है, एक्सेस फंड हुआ तो क्या करना है. तो एक रिसीप्ट साइड, रिसीप्ट साइड में सबसे पहले आपका आएगा दिस इज ओपनिंग बैलेंस. व्हाट इज योर ओपनिंग बैलेंस, योर ओपनिंग बैलेंस इज 72,500. दिस इज रुपीज 72,500 विल बी योर ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, यू कंटिन्यू दिस नेक्स्ट पेज. दिस इज योर
जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, आपको कंटिन्यू करना है, आपको ये वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको कंटिन्यू करिए। राइट, दिस इज योर पेमेंट्स, ओके, दिस इज योर टोटल, इसको यू कैन से बी, टोटल ऑफ बी एंड ए माइनस बी विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस, ए माइनस बी विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस। फॉर्मेट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही में लेना है सब, ओके, रिसीट एंड पेमेंट। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, इसके लिए अपन बना लेते हैं वन बाय वन, एंड दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर वन। What is the working note number one? This is your Jan, Feb, March, April, May and June. From the information and assumption that the cash balance in hand on 1st January 2021 is 72,500. ये हम लोगों ने सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया। व्हाट इज ए कैश बजट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग फ्यूचर एस्टिमेट्स, दैट स्टेटमेंट वी विल डिवाइड इन टू पार्ट, एक आपका रहेगा रिसीट पार्ट, ओके, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, एक आपका रहेगा पेमेंट पार्ट, दिस इज योर सेकेंड इज ए पेमेंट पार्ट, ओके। सो ये टोटल ऑफ बी हो जाएगा आपका, और आपके पास टोटल ऑफ ए रहेगा, वेयर इज द टोटल ऑफ ए, ये आपका आ जाएगा, this is your total of a, go very systematic, ये आपका क्या हो जाएगा total of a, ये आपका क्या हो जाएगा friends, ये आपका हो जाएगा total of b payment, और फिर आपका क्या आ जाएगा friends, this is your closing balance, वही क्लोजिंग बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ में आपका क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, और आपका पीरियड है जैन फेब मार्च अप्रैल मई एंड जून। सही है सर, अब आप आ जाइए 72,500, एज्यूम दैट 50% ऑफ द टोटल सेल्स आर कैश सेल्स, एसेट्स आर टू बी एक्वायर्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड अप्रैल, therefore provision should be made for payment of 8,000 and 25,000 for the same, an application has been made to the bank for the grant of loan 30,000 and it is hoped that the loan amount will be received in the month of May, it is anticipated that a dividend of 35,000 will be paid in June, debtors are allowed 1 month credit, it means ab aap jaiye first note number 1, this is your note number 1, note number 1, this is your cash sales and collection from debtors, सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, देखो आपको क्या क्या सेल्स दे रखा है, सेल्स 72,000 इन ऑल फिगर्स इज इन रुपीज 72,000, 97, 86, 88,600, 102,500, 108,700, 72, 97, 86, 88, 600, 102,500, 108,600, 700, ये आपको दे रखा है, उसमें क्या बोल रहा है योर
कैश सेल्स 50%, क्रेडिट 50%, 36,000, 36,000, 97 डिवाइडेड बाय 2, 48,500, 48,500, 86 डिवाइडेड बाय 2, 43, 88,600 डिवाइडेड बाय 2, 44,300, 44,300, 102,500 डिवाइडेड बाय 2, 51,250, 108,700 डिवाइडेड बाय 2, 54,350 एंड 54,350। ये आपको कैश में मिलेगा और ये आपको क्रेडिट सेल्स हो गया। एंड क्रेडिट सेल्स में क्या बोला है, डेटर्स आर अलाउड 1 month क्रेडिट। इट मींस ये पैसा तो आपको कैश का तो सेम मंथ में मिल जाएगा, जैन फेब मार्च अप्रैल में, सही है, सुनो, कैश सेल्स आपको क्या मिल जाएगा सेम मंथ में, और ये आपको कब मिलेगा नेक्स्ट मंथ में। इट मींस दिस इज योर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 36,48,500, 44,300, 51,250, 54,350। सही आंसर। ये आपको कब कलेक्शन होगा, 1 महीने के बाद। आपका टोटल जनवरी में आपको कितना पैसा मिलेगा, 36,000, फरवरी में 48,500 कैश सेल से, 36 क्रेडिट सेल से, 43,48,500, 44,300, 44,300, 51,250, 51,250, 54,350, 54,350। सही आंसर ऑफ, ये आपका कलेक्शन हो जाएगा, ये 36, ये 48,500, 43, ये गलत हो गया, ये आपको मिलेगा, ये 36, ये 36 यहाँ मिलेगा, ये 48 यहाँ मिलेगा, ये 43 यहाँ मिलेगा, ये 43 यहाँ मिलेगा, ये 36 ये हो गया, ये 48,500 ये हो गया, ये 43 आपको यहाँ मिलेगा, ये 44,300 यहाँ मिलेगा, और ये 51,250 यहाँ मिलेगा। सही है सुनो, 36,48,500, 43,44,300 एंड 51,250। सही है सुनो, ये आपका क्या हो जाएगा, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इज दिस क्लियर नो? कैश सेल्स मतलब क्या हुआ कि जिस महीने में आपका सेल्स होगा, कैश सेल्स का मतलब क्या हुआ कि जिस महीने में आपका सेल्स होगा उसी महीने में आपको पैसा मिल जाएगा, जिस महीने में आपका सेल्स होगा उसी महीने में आपको पैसा मिल जाएगा, बिकॉज इट्स ए कैश। क्रेडिट आपको क्या बोला है, 1 month के बाद। तो सबसे पहला दिस इज योर नोट नंबर 1, एकदम क्लियर है फ्रेंड्स। अब आप आ जाइए, तो सबसे पहले अपन ले लेंगे कैश सेल्स, रिफर नोट नंबर 1। क्या आया था अपना, 36,000, 48,500, 44,300, 51,250 एंड 54,350। ओके, एंड देन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, व्हाट इज द कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इज 36,
48,500, 43, 36, 48,500, 43, 44, 44, 300 and 51, 250. इसके लिए यू रिफर नोट नंबर 1. सही है सर. प्रेजेंटेशन थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक जाएंगे आपको मजा आएगा फ्रेंड्स. सही है सुनो, प्रॉपरली क्लियर होना. जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने का हम लोग बना रहे हैं. जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून. सही है सुनो फ्रेंड्स, प्रॉपर क्लियर. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड एजम्पशन दैट द कैश बैलेंस इन हैंड ऑन 1st January 2021 इज 72,500, 72,500 का अपना ये आ गया. प्रिपेयर ए कैश बजट, एज्यूम दैट 50% ऑफ द टोटल सेल्स आर कैश सेल्स. जो भी आपका टोटल सेल्स हुआ है, दिस इज योर टोटल सेल्स इज 72,97,86,88,600, 102,500, उसमें से 50% आपका क्या हुआ है, दिस इज योर कैश सेल्स एंड 50% आपका क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स 36 का हुआ, 36 का कैश हुआ, ये 36 एक महीने के बाद, ये 48,500 एक महीने के बाद, ये 43 एक महीने के बाद, ये 44,300 एक महीने के बाद, ये 51,250 एक महीने के बाद, ये आपका कलेक्शन हो गया. आगे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, आ जाइए. क्या बोल रहा है, एज्यूम 50% ऑफ द टोटल सेल्स आर ऑन कैश सेल्स, एसेट्स आर टू बी एक्वायर्ड इन द मंथ ऑफ फेब एंड अप्रैल. फेब एंड अप्रैल में आपको एसेट्स लेना है. देयरफॉर प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द पेमेंट ऑफ 8,000 and 25,000. अब आप आ जाइए पेमेंट में. दिस इज फॉर एसेट्स. क्या बोल रहा है, फेब्रवरी एंड अप्रैल, फेब्रवरी 8,000 एंड अप्रैल 25,000. An application has been made to bank for grant of loan of rupees 30,000 and it is hoped that the loan amount will be received in the month of May. May में हमें क्या मिल जाएगा, loan amount. This is loan amount. कितने का loan है friends? और कभी मिलेगा, May में. 30,000. It is anticipated that the dividend 35,000 will be paid in June. तो ये payment अपने को करना पड़ेगा जून में. It means ये जून में आपको पे आके क्या provision करना पड़ेगा for dividend. जून में कितना dividend है, जून में 35,000. All right, friends. Debtors are allowed 1 month credit. Creditors for material purchase and overhead grant 1 month credit. It means एक महीने का credit मिलेगा. तो सबसे पहले this is material. Material आपने खरीदा 25,000 का जैन में, लेकिन payment कब करना पड़ेगा, फेब में. फेब में 25,000. ओके, जैन का फेब में, फेब का मार्च में 31, मार्च का अप्रैल में 25,500, 30,600 एंड 37,000. सही है सुन फ्रेंड्स. क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल एंड ओवरहेड, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल एंड ओवरहेड. ओके, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल एंड ओवरहेड, इसका मतलब सैलरीज एंड वेजेज आपको सेम मंथ में पे करना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है. सैलरीज एंड वेजेस, व्हाट इज द सैलरीज एंड वेजेस, आपको सेम मंथ में पे करना पड़ेगा. 10,12,100,
10,600, 25,000, 22,000 एंड 23,000। लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड एक महीने के बाद आपको पे करना है 6,700, 6,700, 7,500, 8,900 एंड 11,000। ओके, परफेक्टली क्लियर हो ना? ओके, सेल्स कमीशन आपको देना पड़ेगा 3%। सेल्स कमीशन 3% ऑन सेल्स, 3% ऑन सेल्स आपको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब आपका सेल हुआ है 72, उसका 3% इज 2160, 72 का 3%, देन 97 का 3% इज 2910, 86 का 3% इज 2580, 88600 का 3% इज 2658, 102500 का 3% इज 3075, 108700 का 3% इज 3261। सही आंसर है फ्रेंड, 3% ऑन सेल्स, ये आपका हो जाएगा। ओके, नाउ यू कैन टेक द टोटल ऑफ दिस, इट मींस 10,000 प्लस 2160 इज 12,160, 8,000 प्लस 25, 12,100 प्लस 6 प्लस 2910, 54। ये आपका मेटेरियल का पेमेंट आ जाएगा। बोलो फ्रेंड्स, ऑफिस एक्सपेंस और आपका रह गया ना फ्रेंड्स, ऑफिस एक्सपेंस, व्हाट इज ऑफिस एक्सपेंस, वन मंथ का क्रेडिट है ना फ्रेंड, 5,500, 6,700, 7,500, 8,900, 11,000, इट मींस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 25 प्लस 12,100 प्लस 6 प्लस 2910 प्लस 5,500, 59,510, देन 31,000, 10,600, 6,700, 2,580, 6,700, 57,180, then 25,000, 25,500, then 25,000, 7,500, 2,658, 7,500, 93, यस प्रोडक्शन, यस प्रोडक्शन ओवरहेड में अपना मिस्टेक हुआ है, उसको अपन करेक्ट कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन होने का यही आपको फायदा है, आप सॉल्व करिए और चेक करते जाइए कि क्या मिस्टेक हुआ है। प्रोडक्शन ओवरहेड 6,000, एक महीने का क्रेडिट है ना, प्रोडक्शन ओवरहेड 6,000, 6,300, 6,000, 6,500, 8,000, सही आंसर फ्रेंड्स। ओके, सो 25, 25,500,
25 प्लस 6 2658 प्लस 7500 91658। आई विल रिवाइज एवरीथिंग, वापस से पूरा सम आपको रिवाइज करा देता हूँ। 30,600 22,650 3075 प्लस 8900 71। आर यू फॉलोइंग फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, ऑल राइट। नाउ यू टेक 30,600 प्लस 22,650 3075 प्लस 8900 71,075 35 प्लस 37 प्लस 23 प्लस 8 प्लस 3261 प्लस 11,000 इज 117,261। सही आंसर है। ये आपका टोटल हो गया किसका, पेमेंट साइड का। ओके, नाउ यू गो वन बाय वन। देखो आपका रिसीट साइड का टोटल ले लेते हैं। इट मींस रिसीट साइड का टोटल है 72,500 प्लस 36,000 इज 108,500। ओके, आपका पेमेंट साइड का 12,160। इट मींस 108,500 माइनस 12,160 इज 96,340। 96,340 कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ पे 96,340 प्लस 48,500 प्लस 36,000 इज 180,840 माइनस 59,510 इज 121,321,330। नाउ 121,330 प्लस 43 प्लस 48,500 इज 212,830। 212,830 माइनस 57,180 इज 155,650। ये आपका 155,650 प्लस 44,300 प्लस 43,000 इज 242,950। 242,950 माइनस 242,950 माइनस 91,658 इज 151,292 151,292 प्लस 51,250 प्लस 44,300 प्लस 30,000 इज 276,842 माइनस 71,075 इज 205,767 प्लस 54,205,767 प्लस 54,350 प्लस 51,250 इज 311,367 माइनस 117,261 इज 194,104,106। दैट इज द एंड ऑफ योर आंसर। आई रिवाइज प्रॉपरली वन बाय वन। आप एक एक पार्ट को देख लीजिए, समझ लीजिए फ्रेंड्स। मैं आपको बराबर से आपको एक्सप्लेन
कर देता हूँ। देखो क्या पूछा है फ्रेंड्स अपने से, फ्रॉम दी अबव इन फ्रॉम दी इंफॉर्मेशन एंड अजम्पशन दैट द कैश बैलेंस इन हैंड ऑन 1 January 2021 इज 72,500 प्रिपेयर ए कैश बजट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैश बजट? कैश बजट मीन्स इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग फ्यूचर एस्टिमेट्स। फ्यूचर के बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है, मैंने आपको कॉस्टिंग में भी बताया था, बजट का मतलब होता है एस्टिमेट करना। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? एस्टिमेट कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए अपन एस्टिमेट्स कर रहे हैं, राइट। और उसको बजट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका रिसीट है, एक आपका पेमेंट है। रिसीट में से पेमेंट को माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आगे उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट आएंगे, वो भी आपको सिखाता हूँ। तो पहले मैंने क्या किया, ये स्टेटमेंट शोइंग आपके सामने बनाया, स्टेटमेंट शोइंग एंड दिस इज योर कैश बजट फॉर जैन टू जून। जनरली ये लोग देते हैं कौन से पीरियड का, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, उन्होंने कैश बजट बोला है और 6 महीने का पीरियड है, तो हम लोग जैन टू जून बना देंगे। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पहला अपन रिसीट ले लेंगे। दूसरा अपना क्या रहेगा फ्रेंड्स? पेमेंट रहेगा। ये टोटल ऑफ बी पेमेंट, टोटल ऑफ ए रिसीट, उसमें से टोटल ऑफ ए माइनस बी अपने को जो बचेगा दैट इज ए क्लोजिंग बैलेंस। अब आप देख लीजिए एक एक करके ना। सबसे पहले फ्रेंड्स उसने क्या बोला है कि अपने पास दे दीजिए ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ 72,500, ठीक है। एज्यूम दैट 50% ऑफ द टोटल सेल्स आर ऑन कैश सेल्स। आ जाइए आप, 50% ये आपका सेल्स आपको दे रखा जैन 72, फेब आपका क्या दे रखा है फ्रेंड्स 97, मार्च आपका क्या दे रखा है 86, देन अप्रैल आपका क्या दे रखा है 88,600, देन 102,500 एंड देन 108,700, ठीक है छोड़ देते हैं। एसेट्स आर टू बी एक्वायर्ड इन द मंथ ऑफ फेब एंड अप्रैल, देयरफॉर प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द पेमेंट ऑफ 8,000, 25,000 फॉर। तो हमको कब? फेब्रुअरी एंड अप्रैल में, इसका फेब्रुअरी एंड अप्रैल में हम लोगों ने क्या कर दिया, एसेट्स के लिए फॉर प्रोविजन। An application has been made to bank for grant of a loan 30,000 and it is hoped that the loan amount will be received in the month of May. तो अपने को कब पैसा मिलेगा? मई में। मई में कितना पैसा मिलेगा? 30,000 ले लिया। इट्स वेरी सिंपल करके ना। इट इज एंटिसिपेटेड दैट द डिविडेंड 35,000 विल बी पेड इन द मंथ ऑफ जून। जून में हम लोग 35,000 का क्या पे करेंगे? 35,000 का क्या पे करेंगे बोलो फ्रेंड्स? 35,000 का हम लोग पे करेंगे जून में डिविडेंड। सो 35,000 ये आपका क्या हो गया? डिविडेंड। गो सिस्टमेटिक, डेटर्स आर अलाउड 1 month क्रेडिट। अब आप देखिए ये आपका हुआ सेल्स दे रखा है डायरेक्टली, ये आपको सेल्स डायरेक्टली दे रखा है, उसमें से 50% आपका कैश में है, वो तो सेम मंथ में आपको रिसीव हो जाएगा 50%। बाकी का जो 50 है वो क्रेडिट है, वो क्रेडिट 1 month क्रेडिट है, इसका मतलब जैन का फेब में मिलेगा, फेब का मार्च में मिलेगा, मार्च का अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल का मई में मिलेगा और मई का जून में मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया? एक आपका आ जाएगा कैश सेल्स, ये तो डायरेक्टली आपको दे रखा है 50%, और एक आपका आ जाएगा फ्रेंड्स क्रेडिट, वो आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा। इसके लिए यू रिफर बोथ द केसेस में नोट नंबर 1। क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल परचेज एंड ओवरहेड ग्रांट 1 month क्रेडिट। क्रेडिटर्स इसका मतलब पेमेंट में आएगा, क्रेडिटर्स हमको 1 महीने का क्रेडिट दे रहा है, तो इसका मतलब जैन में जो खरीदा है वो आपको फेब में पे करना है, फेब में जो खरीदा है वो आपको मार्च में पे करना है, मार्च में खरीदा है वो अप्रैल में पे करना है, अप्रैल में जो खरीदा मई में, और मई में जो खरीदा है वो जून में आपको पे करना है। क्रेडिटर्स एंड ओवरहेड, ओवरहेड में सैलरी एंड वेजेस के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब हम लोग को सेम मंथ में आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल एंड ओवरहेड, ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड आपको 1 महीने का क्रेडिट है 6,630,6,650,8,000। ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड आपका है 5,500,6,700, 1 महीने के बाद है 7,500,8,900 and 11,000, सही है सर। सेल्स कमीशन आपको सेम मंथ में पे करना है 3% ऑफ दी सेल्स, इसका मतलब 72,000 का सेल था उसका, तो ये आपको बी का टोटल आ जाएगा, और ए का टोटल आपके पास ऑलरेडी है,
बराबर। और ए में से अगर बी का टोटल माइनस करेंगे ये बैलेंस आपको कैरी फॉरवर्ड होगा, और इस तरह से आपका ये बन के तैयार हो जाए। तो व्हाट इज कैश बजट? कैश बजट मींस इट इज ए स्टेटमेंट। व्हाट इज कैश बजट? कैश बजट मींस इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग फ्यूचर एस्टिमेट्स। देयर आर टू, वन इज ए रिसीट्स एंड वन इज ए पेमेंट। रिसीट में आपको ये देखना है कहाँ से हमको पैसा आएगा, पेमेंट में हमको ये देखना है कि कहाँ को हमको पे करना है, उसके बाद बैलेंस बचा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कभी कभी ये रहेगा कि बैलेंस शॉर्ट है तो अपने को बैंक का लोन लेना पड़ेगा, कभी कभी ये है कि अपने पास बहुत सारा बैलेंस है तो हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे, कभी कभी बोलेगा मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसी सीक्वेंस से आपको सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर टेकिंग वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ कैश बजट। ना अगर आपने ये क्वेश्चन भी अगर बहुत अच्छे से कर लिया ना तो आपका काम हो जाएगा। ये आपके ICI मॉड्यूल से ही अपना चल रहा है। ओके, दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड पेज नंबर 10.9। इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 10.9। प्रिपेयर मंथली कैश बजट फॉर 6 मंथ्स बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल 21 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब उसने क्या बोला है, 6 मंथ्स का आपको कैश बजट बनाना है स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल। इट मींस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने का आपको कैश बजट बनाना है फॉर 2021। मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज अ कैश बजट, राइट? व्हाट इज अ कैश बजट? इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग फ्यूचर एस्टिमेट्स। बराबर, कैश बजट को हम किस में डिवाइड करते हैं बताइए? वन इज ए रिसीप्ट, वन इज ए पेमेंट। कितना रिसीप्ट, कितना पेमेंट, अगर शॉर्टेज हुआ तो क्या और सरप्लस हुआ तो क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ओके, सेल्स आपको दे रखा है, वेज इन सैलरीज दे रखा है। ऑफ द सेल्स 80% ऑन क्रेडिट, 20% ऑन कैश। इट मीन्स जो भी आपका सेल्स होगा दैट इज ऑन 20% कैश एंड 80% ऑन क्रेडिट। उसका 75% अपने को कलेक्ट होगा। ऑफ दीज सेल्स 80% ऑन क्रेडिट एंड 20% फॉर कैश। 75% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड विद इन 1 मंथ। इट मीन्स अप्रैल का कहाँ पे कलेक्ट होगा, मई में, और अप्रैल का कहाँ पे कलेक्ट होगा, जून में। 75% मई में, 25% जून में। ओके, परचेज अमाउंट टू 80% ऑफ द सेल्स एंड आर मेड ऑन क्रेडिट एंड पेड फॉर इन द मंथ ऑफ प्रीसीडिंग द सेल्स। इसका मतलब मई का आपको परचेज करना है इन अप्रैल एंड 80% ऑफ द सेल्स वैल्यू। बराबर, और आपको तभी पेमेंट कर देना है, ठीक है। द फर्म हैज 10% डिवेंचर ऑफ 1,20,000। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इट मीन्स 120 × 10% द इंटरेस्ट विल बी 12,000 rupees। द फर्म हैज 10% डिवेंचर 120, इंटरेस्ट ऑन दीज हैज टू बी पेड क्वार्टरली। इट मीन्स 12,000 को डिवाइडेड बाई 4, हर क्वार्टर में आपको कितना पे करना है, 3,000। द फर्म इज टू मेक एन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस 5,000। एडवांस टैक्स पे करना है, एडवांस टैक्स पे करना है 5,000 rupees। द फर्म हैड ए कैश बैलेंस ऑफ 20,000। ओपनिंग बैलेंस अपने पास है 20,000, ओपनिंग बैलेंस है अपने पास 20,000 ऑन अप्रैल 1/21 विच इज द मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश बैलेंस। मीन्स मिनिमम आपको 20,000 बैलेंस तो चाहिए ही चाहिए। एनी कैश सरप्लस डेफिसिट अबव बिलो दिस लेवल इज मेड बाई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, लिक्विडेशन ऑफ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट और टेम्परेरी बोरोइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन दिस टू बी इग्नोर। सपोज अगर आपके पास माइनस में बैलेंस आता है तो आप लोन ले लो, अगर आपको प्लस में बैलेंस आता है तो आप इन्वेस्ट कर दो, पर ये सब क्या रहेंगे, शॉर्ट टर्म। बराबर, तो अब आप देखिए इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो बेस्ट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज अ फॉर्मेट ओनली। ओके,
आप आ जाइए यहाँ पे, दिस इज स्टेटमेंट स्विंग कैश बजट। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, दिस इज व्हाट योर ए, ए फॉर रिसिप्ट्स, और रिसिप्ट्स में आपका ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है 20,000 इन द क्वेश्चन। लास्ट पॉइंट आप देखिए, सेवेंथ पॉइंट ना, द फर्म हैड ए कैश बैलेंस ऑफ 20,000 ऑन अप्रैल 21 विच इज द मिनिमम बैलेंस। ये आपका क्या हो जाएगा, रिसिप्ट वाला पार्ट, और रिसिप्ट का दिस इज योर टोटल ऑफ ए। आ जाइए फ्रेंड्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, टू कंटिन्यू द सेम वे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ओके, दिस इज बी, बी में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, ओके। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे उन्होंने बोला है कि वी वॉन्ट ए मिनिमम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस को भी 20,000 करके आप दिखा दीजिए, तो आपको क्या एकदम इजी हो जाएगा और आपसे मिस्टेक होगा नहीं। ये आपका हो जाएगा टोटल ऑफ बी, ओके, मिनिमम बैलेंस, राइट, ये आपका क्या हो जाएगा, बोलिए, टोटल ऑफ बी। उसके बाद फ्रेंड्स आप आ जाइए, मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, बराबर, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस, बराबर, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस आपका कौन सा, इट मींस ए माइनस बी, ओके, ए ए माइनस बी करेंगे तो हमारा बैलेंस, अब अगर हमको नेगेटिव आया तो हमको क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग्स, फिर रीपेमेंट, एक्स्ट्रा रहेगा तो इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्ट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट, ये आपका टोटल आ जाएगा, देन यू ऐड द मिनिमम बैलेंस एंड देन यू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस, देन यू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आएगा ए माइनस बी, बोरोइंग, रीपेमेंट, इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देन बैलेंस, मिनिमम बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, बराबर, एड करके जो भी बचेगा दैट इज ए क्लोजिंग बैलेंस, सही है सोना फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हुआ, ये अपना फॉर्मेट ही है ना, इट मींस अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये आपका रिसीप्ट ओपनिंग बैलेंस, ओके, ये आपका टोटल आ जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए फ्रेंड्स पेमेंट्स,
पेमेंट्स में आपका मिनिमम बैलेंस का भी मैंने कर दिया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देन क्लोजिंग बैलेंस आएगा, बोरोइंग है तो अगर अपने को नेगेटिव आ रहा है तो बोरोइंग करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा है तो रीपे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मिनिमम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स वन बाय वन, दिस इज योर नोट नंबर वन, कलेक्शन फ्रॉम कैश सेल्स एंड डेटर्स। ऑलराइट, कलेक्शन फ्रॉम कैश सेल्स एंड डेटर्स, ओके, दिस इज योर नोट नंबर वन। सही आंसर होगा, बड़ा सम है लेकिन आराम आराम से धीरे धीरे समझ समझ के करेंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। आइए, इट मीन्स जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड ऑलराइट फ्रेंड्स, इट मीन्स जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। दिस इज योर टोटल सेल्स, व्हाट योर टोटल सेल्स इज 1 lakh 20 1 lakh 40 80 60 80 1 lakh 80 60 एंड 1 lakh। सही आंसर, ये आपका हो गया सेल्स। सही आंसर हो गया, सेल्स इज गिवन टू यू, एक एक करके ले लीजिए पॉइंट ना। एस्टिमेटेड मंथली सेल्स आर एज फॉलोज, जनवरी की 1 lakh, फेबररी 120 140 80,000, अप्रैल मई 60,000, जून 80,000, जुलाई 1 lakh, अगस्त 80,000, सितंबर 60,000 एंड अक्टूबर 1 lakh। सही है, सुनो, गो वन बाई वन, दिस इज योर पॉइंट नंबर वन। अब क्या बोल रहा है, वेजेस एंड सैलरीज आर एस्टिमेटेड टू बी पेबल एज फॉलोज, इसका मतलब वेजेस एंड सैलरीज आपको सेम मंथ में पे करना है, राइट। वेजेस एंड सैलरीज आर एस्टिमेटेड टू बी पेबल एज फॉलोज, राइट। Of the sales, 80% is on credit, 20% on cash. इसका मतलब पहला हम क्या ले लेंगे, This is cash, 20% credit, 80%. See, yes, one of us. It means 24 96 28 16 64 12 48 16 64 12 48 20 and 80। सही आंसर, ये आपका
दिस इज योर कैशियर्स राइट एंड वी आर कंसर्न ओनली विद अप्रैल ना, बिकॉज वी आर कंसर्न ओनली विद अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर. अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर, इसका मतलब अपने को ये सेल से ही मतलब है, उसका कैश सेल्स हमारा ये हो रहा है. सही आंसर परफेक्टली क्लियर नॉट ओके. अब ये क्या बोल रहा है कि बाकी का हमारा क्या हो जाएगा, बाकी का इज योर क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स में क्या बोल रहा है, 75% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड विद इन वन मंथ आफ्टर द सेल्स एंड द बैलेंस इन टू मंथ्स आफ्टर द सेल्स एंड देयर इज नो बैड डेट्स. इसका मतलब आपका कलेक्शन 75-25, इट मींस 75-25, 80,000 का 75 इज 60 और 25 इज 20. 96 का 75% इज 72 एंड 24. 112 का 75% इज 84 28. 64 का 75% इज 48 एंड 16. 48 का 75% इज 36 एंड 12. देन 64 का 75% इज 48 and 16. Then 80 ka 75% is 60 and 20. Then 64 ka 75% is 48 and 16. Then 48 का 75% is. So now we are concerned only with April, May, June, July, August and September. This will be our collection from debtors. This will be our collection from debtors. It means 84 24 48 28 36 16 48 12 60 16 and 48 20. It means 84 plus 24 is 108. 48 plus 28 is 76. 36 plus 16 is 52. 48 plus 12 is 60. Then 60 plus 16 is 76. 48 plus 20 is 68. Okay, so this comes to 108 76 52 60 76 and 68. Say yes. Alright, so hamara cash, what is the cash sales? Cash sales is 16 then 12 16 20 16 and 12, and this 108 76 52 60 76 and 68.
सही है सर। एंड नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट नोट नंबर पेमेंट टू creditors, payment to creditors, it means जो May का sale है that we will purchase in April and we will make the payment, okay, because this is given, purchase amount to 80% of sales and are made on credit and paid for in the month preceding the sales, उससे preceding the sales, इसका मतलब 80% of सेल्स, ओके, सो 80% इट मीन्स व्हाट इज द सेल्स, सेल्स ऑफ मे 60,000, 60 का 80% विल बी 48, 80% ऑफ 48 इट मीन्स 64, 64, 48 and 80. This will be your payment to creditors, friends, आप आ जाइए. Payment to creditors is 48, is 64, 80, 64, 48 and 80. सही सुना. ये आपके मेन जो कैलकुलेशन पार्ट जो आपका रहता है वो आपका ये क्लियर हो गया. मेन जो आपका कैलकुलेशन पार्ट है वो ये है करके ना. सो ये आपको क्लियर हुआ कि फ्रेंड्स, ओके, कैश सेल्स में आपका आ जाएगा 16,000, आपका आ जाएगा 16,000, आपका आ जाएगा 12,000, आपका आ जाएगा 16,000, आपका 20,000, 16,000 एंड 12,000. एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में 108, 76, then 52, 60,000, 76 and 68. Payment to creditors में आ जाएगा 48, 64, 80,000, 64, then 48 and 80,000. Now tell me friends, any? सही है सुनो friends, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें मेन जो रहता है that is creditors and debtors का, उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट वाला भी है, लोन वाला भी है, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है? अब आ जाइए सबसे पहले, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, कैश सेल्स, रिफर नोट नंबर वन, व्हाट इज द कैश सेल्स इज 16,000, रिफर नोट नंबर वन, 12,000, 16, 20, 16 and 12. Then collection from debtors, नोट नंबर वन, जो क्रेडिट सेल्स किया उससे क्या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, 108, 76, 52, 60, 76 and 68. सही है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके. नाउ यू कम टू पेमेंट टू क्रेडिटर्स. This is your payment to creditors. Note number 2. Purchase and payment to creditors is 48, 64, 80,
60, 64, 48, and 80,000. रिफर नोट नंबर 2. सही है सुनो बोलो. ऑलराइट, अब आ जाइए पर्ची के अंदर. द फर्म हैज 10% डिवेंचर. अलग से नोट ही बना लेते हैं अपन. इट मीन्स नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर? 1,20,000 इंटू 10%, 12,000 डिवाइडेड बाई 4 क्वार्टर्स. इट मीन्स ईच क्वार्टर का 3,000. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. पहला जैन में, फिर जैन, फेब, मार्च का ये हो गया. ओके, देन मार्च, अप्रैल, ओके, जुलाई एंड अक्टूबर. इट मीन्स 3,000 ईच क्वार्टर का. एवरी क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर. 3,000, 3,000 and 3,000. The firm 10% debenture 120 interest. These has to be paid quarterly in January, April and एक जनवरी में पे कर दिया अपन ने. ये जनवरी पे कर दिया, ये अप्रैल पे कर दिया, जुलाई पे कर दिया एंड अक्टूबर पे कर दिया. सही है सोना. ऑल राइट, तो यहाँ को इसको ले लेते हैं अपन इंटरेस्ट पेमेंट. दिस इज योर पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड दिस इज योर इंटरेस्ट पेमेंट. ओके, इंटरेस्ट पेमेंट आपका आ जाएगा फर्स्ट इन अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई. एंड दिस के लिए यू कैन रेफर योर नोट नंबर 3. द फर्म इज टू मेक एन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स. एडवांस टैक्स का भी 5,000 रुपीज इन जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. ऑलराइट, द फर्म हैड ए कैश बैलेंस ऑफ 20,000 और मिनिमम भी 20 रखना है, तो मिनिमम 20 अपन ने ले लिया एंड द ओपनिंग बैलेंस विल बी 20,000, वो भी अपन ने ले लिया. ऑलराइट, सो पॉइंट नंबर 1 इज ओवर. पॉइंट नंबर 2, यस, वेजेज एंड सैलरीज. Wages and salaries is 9,000, 8,000, 10,000, 10,000, 9,000 and 9,000. सही है सुनो. पॉइंट नंबर 2 हो गया फ्रेंड्स. पॉइंट नंबर 3 इज ओवर. पॉइंट नंबर 4 इज ओवर. पॉइंट नंबर 5 इज ओवर. पॉइंट नंबर 6 इज ओवर एंड पॉइंट नंबर 7 इज ओवर. नाउ इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले अपन टोटल पेमेंट का लगा लेते हैं. ओके, सो व्हाट इज द टोटल पेमेंट का? इज ए 48 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 20. मिनिमम बैलेंस को लेने के बाद भी हमारा टोटल आ रहा है इज 80,000. देन 64 प्लस 8 प्लस 20 इज 92. 80 प्लस 10 प्लस 20 इज 1,10,000. 64 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 इज 1,02,000. देन 48 प्लस 9 प्लस 20 विल बी 77.
एट्टी प्लस नाइन प्लस 20 इज 1,09,000। ये हमारा क्या हो गया, मिनिमम अपने को इतना कैश चाहिए ही चाहिए पेमेंट्स के लिए, पेमेंट्स करने के लिए हमको इतना पैसा चाहिए। ओके, अब आप आ जाइए, आपका कलेक्शन कितना हुआ था, आपका कलेक्शन हुआ था इज ए 20 प्लस 16 प्लस 108 इज 144 का कलेक्शन हुआ है। ओके, व्हाट इज योर पेमेंट, 80। ओके, व्हाट विल बी द बैलेंस, 144 माइनस 80 इज योर बैलेंस इज 64,000 का आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इसका मतलब आपको बोरोइंग नहीं करना है, आपको रीपेमेंट नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है 64,000। सेल्स आपको नहीं करना है, आपका बैलेंस क्या बचेगा, जीरो, और आपका ये बैलेंस आपका बचेगा 64 में से आपने 64 कर दिया तो फाइनल बैलेंस आपका बचा इस जीरो। बट हमारे पास मिनिमम बैलेंस है 20,000, तो हमारा कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होगा 20,000। ये क्लियर हुआ, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। 64 आया था, 64 इन्वेस्ट कर दिया, जीरो बचा, लेकिन 20 हमारे पास है क्योंकि हमने मिनिमम बैलेंस कंसीडर किया है ना, ये 20 आ गया। अब ये 20 को आप ले जाइए अगेन 20,000, आपका टोटल हो जाएगा 20 प्लस 12 प्लस 76 इज 1,08,000। देन 1,08,000 माइनस 92,000 और 108 माइनस 92 इज 16,000। इज ए 16,000 आपके पास बचेगा, ये 16 को ही ना बोरो करेंगे, इन्वेस्टमेंट 16,000 आपका बैलेंस आएगा जीरो, 20,000 एंड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 20,000। सही है सर, ऑलराइट। वापस से आप 20 को कैरी फॉरवर्ड करिए, इज सही है सर, ऑलराइट फ्रेंड्स। तो ये 20, अभी 20 प्लस 16 प्लस 52 इज 88,000। राइट, 88, लेकिन आपका पेमेंट आ रहा है 1,10,000। 88 माइनस 110, देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ 22। शॉर्टेज के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि यू सेल योर इन्वेस्टमेंट, आपके पास तो इन्वेस्टमेंट है ना, उनको सेल कर दीजिए 22, ये आपका जीरो हो जाएगा, मिनिमम बैलेंस 20 है, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस 20,000 हो जाएगा। ओके, वापस दिस इज योर 20, इट मीन्स 20 प्लस 20 प्लस 60 इज 1,00,000, दिस टोटल कम्स टू 1,00,000 एंड व्हाट इज द पेमेंट, पेमेंट इज 1,02,000, पेमेंट इज 102, सो देर इज ए शॉर्टेज ऑफ 2। वापस से हम लोग इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर सकते हैं 2,000 का, राइट, बैलेंस नील 20,000, सो दिस इज 20, आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इज ए 20, इट मीन्स 20 प्लस 16 प्लस 76 विल बी 1,12,000। 1,12,000 में से आपको पेमेंट करना है ओनली 77, तो आपके पास बैलेंस बचेगा 35, सो दिस विल बी 35। 35 को वापस से क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे,
आपका बैलेंस नील, 20 मिनिमम, ये 20 आपका कैरी फॉरवर्ड, ओके, दिस इज 20, सो 20 प्लस 12 प्लस 68 इज 1 लाख, ओके, आपका पेमेंट है 109, इट मीन्स शॉर्टेज ऑफ 9, हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट है, उसको ही सेल कर देंगे, निल 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 9000 का सेल करेंगे, जीरो मिनिमम 20, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस विल बी, दैट इज द एंड ऑफ दिस, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आप जितनी भी बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इसको रिवाइज करिए, आप रिवाइज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आप इसको रिवाइज करिए एक एक पॉइंट को, ये मैंने फॉर्मेट आपको वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट दिया है, ओके, थैंक यू। बहुत ही एक शानदार आपको क्वेश्चन कराता हूं, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 एंड पेज नंबर 10.45, बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मिला फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 10.45, ओके, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से मैंने आपका लिया है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू जेटा लिमिटेड ए पब्लिशिंग कंपनी, द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज, आपका सेलिंग प्राइस है बुक का, सेलिंग प्राइस है एट द रेट ऑफ ₹15, ओके फ्रेंड्स, एंड द सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट थ्रू बुक क्लब एंड इनवॉइस ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपका इज रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपका पर बुक मेटेरियल, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बुक मेटेरियल इज ₹5, मेटेरियल इज ₹5, देन लेबर इज ₹4, लेबर इज ₹4, एंड ओवरहेड, ओवरहेड इज रुपीज, ओवरहेड इज ₹2, ठीक है, द सेल्स मैनेजर हैज फोरकास्टेड द फॉलोइंग वॉल्यूम, नवंबर दिसंबर से आपको अगस्त तक दे रखा है, कस्टमर आर एक्सपेक्टेड टू पे एज फॉलोज, वन मंथ आफ्टर द सेल्स, अगर आपने सेल्स किया उसके वन मंथ के बाद एंड टू मंथ्स के बाद, आफ्टर वन मंथ आपको कितना मिलेगा 40%, और आपको टू मंथ्स कितना मिलेगा आपको 60%, द कंपनी प्रोड्यूसेज द बुक्स टू मंथ्स बिफोर दे आर सोल्ड, द कंपनी प्रोड्यूसेज द बुक्स 2 months before they are sold and the creditors for material are paid 2 months after the production. Variable overhead are paid in the month of following production and are expected to increase 25% in April. 75% of wages paid in the month of production and 25% in the following month. A wage rate increase 12.5% will be take place on 1st March. The company is going through restructuring and will sell one of the freehold properties in May 25,000. So, 25,000 rupees apne ko sale se mil jayega. But it is also planning to buy a new printing press in May for 10,000. Depreciation currently 1,000 per month and will rise 1,500 after the purchase of new machine. The company corporation tax is 10,000 is due in the month of March. The company presently has a cash balance at bank on 31st December 2020 of 1,500. You are required to prepare a cash budget for 6 months from January to June. आपको बनाना है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप जरा देखिए, तो पहले मैंने आपको क्या बताया था कि कैश बजट का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश बजट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग फ्यूचर एस्टिमेट्स, and this we will divide in two parts, one is a receipt and one is a payment, okay, so this is the following Jetta Limited, so this is your Jetta Limited statement showing cash
बजट। कैश बजट फॉर जैन टू जून 21 और जैन टू जून 21 ओके। और अपने को चाहिए जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून ए रिसीप्स ओके। दिस विल बी योर टोटल ऑफ ए सही आसान क्या आपको दे रखा है जेटा लिमिटेड ओके। स्टेटमेंट शोइंग कैश बजट और जैन टू जून 21 रिसीप्स जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून एंड टोटल ऑफ ए। मैंने आपको क्या बताया था कैश बजट मीन्स इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग फ्यूचर एस्टिमेट्स। इसके थ्रू अपने को क्या करना है एस्टिमेट्स करना है ओके। सेकेंड आप आ जाइए दिस इज जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून ओके। आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं मैं लिख दे रहा हूँ राइट। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून दिस इज योर पेमेंट्स बी पेमेंट्स दिस इज योर टोटल ऑफ बी ए माइनस बी इज योर क्लोजिंग बैलेंस। ये बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड सही है सुना फ्रेंड्स। नाउ बी बी पार्ट इज जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून टोटल ऑफ बी ए माइनस बी क्लोजिंग बैलेंस और वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आप आराम से धीरे धीरे आप एक एक पार्ट को समझिए ओके। इसके बाद सबसे पहले अपन वन बाई वन ले लेते हैं एंड दिस इज योर नोट नंबर वन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ये अपने को क्या दे रखा है फ्रेंड्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज 15 एंड द सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट मीन्स पूरा की पूरा 100% जो आपका सेल है दैट इज ऑन क्रेडिट बेसिस ओके सही है सर फ्रेंड्स। पहला आप ले लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो दिस इज नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त राइट। नंबर ऑफ बुक्स नंबर ऑफ बुक्स 1000 1000 1000 1250 1500
2000 1900 2200 2200 एंड 2300 इनटू सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस इज रुपीज 15. आपको मिलेगा सेल्स. ओके 1000 × 15 इज 15000 1250 × 15 इज 18750. Then into 15 is 1900 into 15 is 2200 into 15 is 33 and 2300 into 15 is 34500. ओके आपका सेल हो जाएगा 15000 18750. दिस इज 18750 22500 30000 28500 33 एंड 34500. नाउ क्या बोल रहा है, कस्टमर आर एक्सपेक्टेड टू पे आर एस फॉलोज. वन मंथ आफ्टर द सेल्स 40%. इन वन मंथ एंड टू मंथ्स 60%. ओके सो 6000 यहाँ कलेक्ट हो जाएगा आपको. ओके आफ्टर वन मंथ है ना फ्रेंड्स. नवंबर में आपको कुछ भी कलेक्ट होगा नहीं. सो 40% मीन 6000 एंड 9000 6000 9000 6000 9000 देन 18750 का 40% is 7500 and then 11250 then 2500 ka 40% 9000 and 13500 30000 ka 12 18 28500 का 40% 11400 17100 33 का 40% 13400 19800 33 का 40% is 13200. So now we are concerned only with Jan, Feb, March, April, May, June. Jan, Feb, March, April, May, June. Alright friends, अब आप आ जाइए. What is your collection? Your collection 6000. 15,000, 15,000, 7500 plus 9 is 16,500, then
ये आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होगा 15, 16, 500. दिस इज क्लियर अमाउंट राइट. अब आ जाइए फ्रेंड्स अब योर मेटेरियल कॉस्ट. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. हाँ दिस इज रिलेटेड टू योर मेटेरियल कॉस्ट पेमेंट फॉर मेटेरियल. सो दिस इज योर नोट नंबर टू. पेमेंट टू क्रेडिटर्स. क्या बोल रहा है फ्रेंड्स पेमेंट्स के बारे में क्या बोल रहा है. द कंपनी प्रोड्यूसेस द बुक्स 2 months बिफोर दे आर सोल्ड. इट मीन्स दिस इज माई प्रोडक्शन नाउ 2 months. इसका मतलब जनवरी का कभी प्रोडक्शन होगा. जनवरी का जो सेल है उसका प्रोडक्शन होगा नवंबर में. फिर 1250 फिर 1500 देन 2000 देन 1900 देन 2200 देन 2200 एंड देन 2300. आपका प्रोडक्शन इस तरह से होगा. बोलो पहला 1000 1250 1500 2000 1900 2200 2200 एंड 2300. ओके नाउ व्हाट इज द आपका वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपका मटेरियल कॉस्ट है ₹2 मटेरियल पर यूनिट ₹2. इट मींस आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा इज 2000 1250 इंटू टू 2500 3000 4000 3800 4400 4400 एंड 4600 ओके. सो योर मटेरियल कॉस्ट विल बी 5 rupees है. सॉरी दिस इज 5 rupees मटेरियल कॉस्ट है 5 rupees. मटेरियल कॉस्ट है 5000 1250 इंटू 5 2200 इंटू 5 11000 2300 इंटू 5 11500. तो योर मटेरियल कॉस्ट विल बी 5000 6250 7500 10000 9500 11000 11500. ओके द कंपनी प्रोड्यूसेस द बुक्स 2 months बिफोर दे आर सोल्ड एंड द क्रेडिटर्स ऑफ मटेरियल पेड 2 months आफ्टर द
प्रोडक्शन, इसका मतलब प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे वन मंथ टू मंथ्स, इट मीन्स वन मंथ टू मंथ पेमेंट आपका 5000, 6250, 7500, 10000, 9500 एंड 5500, 10000, 9500 एंड 11000. दिस इज क्लियर ऑन 5 rupees पर यूनिट आपका क्या था मटेरियल का कॉस्ट. सही है सुनो, ये आपका हो गया प्रोडक्शन एंड दिस इज योर मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट, ये आपका ये हो. सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो. ऑलराइट, ये आपका सेल्स का फिगर आ गया है ना. सेल्स का फिगर आपका आ रहा है, सेल्स आपका आ रहा है 15000, 16500, 2250, 25500 एंड 29400 और आपका मटेरियल का पेमेंट आ रहा है 5650, 7500 आपका 10000, 9500 एंड 11000 आपका नोट नंबर 1 एंड 2. बताइए फिर. सही है सुनो फ्रेंड्स, बोलो परफेक्टली क्लियर हो. प्रॉपरली क्लियर हो नॉट फ्रेंड्स, बताइए. तो पहले अपन इसको ले लेते हैं राइट. यहाँ पे आ जाइए आप रिसिप्ट में है ना, रिसिप्ट में अपना आ जाएगा. ले लीजिए ओपनिंग बैलेंस अपना कितना दे रखा है फ्रेंड्स, ओपनिंग कैश बैलेंस अपने को दे रखा है. द कंपनी प्रेजेंटली हैज ए कैश बैलेंस एट बैंक 31 December 2020 में इज 1500. इट मीन्स योर ओपनिंग बैलेंस, देन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नोट नंबर 1, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नोट नंबर 1 15000, 15, 16500, 22, 50, 25500, 29400. सही है सुनो फ्रेंड्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आप देख लीजिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आपको दे रखा है. दिस इज 15000 में जो आपका हुआ है सेल्स 15, 15, 16, 500, 15, 15, 16, 500, 15, 15, 16, 500, 22, 50, 25, 500, 29, 400. उसके बाद आप आ जाइए पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स अपना है 5000, 6250, 7500, 10000, 9500 एंड 11000 पेमेंट. दिस इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 5, 6250, 7500, 10000, 9500 एंड सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास सॉल्यूशन बुक है तो फटाक से आप रेफर कर सकते हो. तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स, ये आपका हो गया द कंपनी प्रोड्यूसेस द बुक्स 2 months बिफोर दे आर सोल्ड
एंड द क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल आर पेड 2 months आफ्टर द प्रोडक्शन. वेरिएबल ओवरहेड आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग प्रोडक्शन एंड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 25% इन अप्रैल. ओके, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका वर्किंग आ जाएगा इज ए वेरिएबल ओवरहेड्स. दिस इज योर वेरिएबल ओवरहेड. नोट नंबर 3, व्हाट इज द वेरिएबल ओवरहेड एंड 5 rupees लेबर, लेबर इज 4 एंड द वेरिएबल ओवरहेड इज ₹2. इट मींस प्रोडक्शन इनटू 2. व्हाट इज योर प्रोडक्शन इज 1000 इनटू 2 2000. 1250 into 2, 2500. 1500 into 2, 3000. 2000 into 2, 4000. 1900 into 2, 3800. 2200 into 2, 44. 2200 into 2, 44. 2300 into 2, 4600. आपको वेरिएबल ओवरहेड आपका आ रहा है 2000, देखो 2000, 2500, 2000, 2500, 3000, 4000, 3800, 4400, 4400 and 4600. अब क्या बोल रहा है, वेरिएबल ओवरहेड आर पेड इन 1 month फॉलोइंग प्रोडक्शन एंड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 25% इन अप्रैल. इट मींस दिस इज इंक्रीजिंग बाई 25%. 25% आपका कहां से इंक्रीज हो रहा है, आपका 25% इंक्रीज हो रहा है अप्रैल में. कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इन फ्रॉम अप्रैल. अप्रैल मींस दिस वन. सो यहां से आपका इंक्रीज हो रहा है 25% आपका वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम अप्रैल. अप्रैल आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, बराबर. इसमें 25% मींस 4400 का 25% इज 1100. 4400 का 25% इज 1100. 4600 का 25% इज 1150. ओके, सो टोटल 2500, 3000, 4000, 3800, 4400 plus 1100 is 55, 44, 55, 5750. ओके, ये आपका टोटल पेमेंट है और आपको पे कब करना है, वेरिएबल ओवरहेड पेड इन मंथ फॉलोइंग द प्रोडक्शन. इसका मतलब पेड आपको करना है पेमेंट 2500, 3400, 3800. से यस और नो फ्रेंड्स,
ऑल राइट फ्रेंड्स, सो 3800, देन 5500 पेमेंट्स, ठीक है, ओके। तो पेमेंट्स अब हो जाएगा 2500 3000 4 3800 5500 इन दिस, सही है सोना फ्रेंड्स, ओके। नवंबर दिसंबर, दिस इज नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च अप्रैल मई एंड जून, आपका पेमेंट आ जाएगा 2500, आपका पेमेंट आ जाएगा 2500 3000 4000 3800 5500 2500 3000 4000 3800 5500 and 5500, सही है सर। दिस इज द पेमेंट फॉर वेरिएबल ओवरहेड नोट नंबर 3, इज दिस क्लियर हो ना? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपका चल रहा है, इट मींस आपका आ जाएगा दिस इज वेरिएबल ओवरहेड नोट नंबर 3, वेरिएबल ओवरहेड विल बी 2500 3000 4000 3800 5500 5500, सही है, परफेक्टली क्लियर। ये आपका 2500 2500 क्लियर हो नोट, ऑल राइट। अब आ जाइए फ्रेंड्स, आपको क्या बचा है, वेरिएबल ओवरहेड आर पेड इन मंथ फॉलोइंग प्रोडक्शन एंड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25% वेजेस, दिस इज योर नोट नंबर 4, वेजेस, ओके। व्हाट इज द वेजेस, योर प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय लेबर पर यूनिट, राइट। लेबर आपका 4 रुपीज है, प्रोडक्शन आपका 1000 है, इट मींस 1000 × 4 = 4000, then 1250 × 4 = 5000, say yes or no please, are you following? All right friends, into this 1250 × 4, then 1500 × 4 = 6000 labor cost, then 2000 × 4 = 8000, then 1900 × 4 = 76, 2200 × 4 = 88, 2200 × 4 = 88, 2300 × 4 = 9200, ओके। नाउ इंक्रीज बाय ए वेज रेट इंक्रीज 12.5% फ्रॉम मार्च, तो दिस इज नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च से बढ़ रहा है, कितना है, इस इंक्रीजिंग बाय 12.5% फ्रॉम हियर 12.5% 7600
इंटू 12.5% इज 950। राइट, 8800 इंटू 12.5% इज 1100। 8800 इंटू 12.5% इज 1100। 9200 इंटू 12.5% इज 1150। ओके, सो नंबर दिस कम्स टू 4, दिस कम्स टू 5, then 6, then 8, 7600 plus 8550, 8800, 9900, 9900, 10350. So yes. All right. और इनको कभी पे करना है अपने को, वेर इज वेन टू मेक द पेमेंट इज द वेरिएबल ओवरहेड वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन। 75% ऑफ वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन एंड 25% इन द फॉलोइंग। इट मीन्स 75, 25, ओके, इट मीन्स 3, 1, 5000 का 75% इज 3750, 1250, 6000 का 75% इज 4500, 1500, 8000 का 75% इज 6, 2, 8550 का 75% इज 6412, 6412 एंड 2138। Then 9900 का 75% 7425 एंड 2475। Then 7425 से आ सकता, राइट। तो नाउ दिस इज पेबल 3, 4750, 5750, 7500, 6412 plus 2000 is 8412, 7425 plus 7425 plus 2138 is 9563, 7425 plus 2475 is 10,000. All right, friends. So yes or no, friends. All right. अभी अपने को 3,4750, 5750, 3,4750, 5750, 7500, 8412, 9563 and 7425 plus 2475 is 9900. This is 9900. Say yes or no. ओके, अपना पेमेंट आ जाएगा। दिस इज लेबर कॉस्ट इज
5750-7500-8412-9563-9900। देन 10,350 का 75% इज 7,762 और 9,900 का 25% इज 2,475। 7,762 प्लस 2,475 इज 10,237। ये आपका पेमेंट आ जाएगा। सही है सुनो फ्रेंड्स, दिस इज द पेमेंट फॉर योर लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में 5750-7500-8412-9563 एंड 10,237। अब आप आ जाइए, पेमेंट टू लेबर नोट नंबर 4, 5750-7500-8412-9563-9900-10,237। All right, the company is going through a restructuring, will sell one of the freehold properties in May 25,000 में सेल ऑफ एसेट आपका मे में आएगा 25,000। But it is also planning to buy a new printing press in May 10,000. New printing press is rupees 10,000. The company press 10,000, depreciation 1,000. Depreciation तो non cash है, तो cash budget में नहीं आएगा। द कंपनी कॉरपोरेशन टैक्स पे करेगी, कॉरपोरेशन टैक्स पे करेगी इज 10,000 इन द मंथ ऑफ मार्च। ऑलराइट, इन द मंथ ऑफ मार्च। अब आ जाइए फ्रेंड्स, पहले अपन पेमेंट का टोटल ले लेते हैं। 5,250-5750 इज 13,250, ठीक है। देन 6,250 प्लस 3 प्लस 7,500 16,750 प्लस फिक्स एसेट्स परचेज किया है मई में, 10,000 का प्रिंटिंग प्रेस खरीदा उन्होंने ना, मे में 10,000 का प्रिंटिंग प्रेस एंड
कॉरपोरेशन टैक्स है 10,000 इन द मंथ ऑफ मार्च, ये आपका 10,000 से है सर, ओके। सो 7500 प्लस 48412 प्लस 10,000 29912 देन 10,800 9563 इज 23363 देन 9500 5500 9900 प्लस 10,000 34900 सॉल्यूशन आपके पास है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा 10237 26737 ये आपका हो गया, ओके। नाउ यू गो फॉर दिस साइड, सो 1500 प्लस 15,000 आपका टोटल हो गया 16,500 लेकिन आपने पेमेंट कितना किया 13,250 आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 3250 दिस इज क्लियर नॉट फ्रेंड्स परफेक्ट ओके देन यू गो नेक्स्ट इट मीन्स आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 3250 प्लस 15,000 इज 18,250 उसमें से 16,750 निकालो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 1500 गो टू दिस एड 1500 प्लस 16,500 इज 18,000 माइनस 29,912 इज 11,912 गो टू 11,912 माइनस में है प्लस 2250 8338 और आपका पेमेंट है 23363 is 15,025 plus 25,500 plus 25,000 is 34,475 minus 34,900 is 575 एट 575 प्लस 29,400 इज 29,975 एंड उसमें से आप माइनस कर दीजिए 26,737 इज 3238 आपको कॉन्सेंट्रेशन बहुत करना पड़ेगा तभी जाके आपको क्वेश्चन क्लियर होगा कॉन्सेंट्रेशन बहुत चाहिए इसमें ना फ्रेंड्स सो यू प्लीज पे अटेंशन आपका काम हो जाएगा सही है सुनो ऑल राइट बोलो यस सुनो ऑल राइट फ्रेंड्स सो टुडे वी आर स्टार्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इज कैश बजट विद बैलेंस शीट हम क्या बना रहे हैं कैश बजट विद बैलेंस शीट ओके आप जरा रेफर करिए दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टेन एंड पेज नंबर 10.50 क्वेश्चन नंबर टेन पेज नंबर 10.50 कंसीडर द बैलेंस शीट ऑफ माया लिमिटेड एज ऑन 31 December 2020 इट मीन्स 31/12/2020 को आपको बैलेंस शीट दे रखा है किसका माया लिमिटेड का ऑलराइट फ्रेंड कंसीडर द बैलेंस शीट ऑफ माया लिमिटेड एज ऑन 31 December 2020 द कंपनी हैज रिसीव्ड ए लार्ज ऑर्डर एंड एंटिसिपेट्स द नीड टू गो टू इट बैंक टू इंक्रीज इट्स बोरोइंग्स राइट एज ए रिजल्ट इट हैज to forecast its
कैश रिक्वायरमेंट फॉर जनवरी फरवरी एंड मार्च, मतलब उनको पैसे की ज़रूरत है, बैंक के पास जाना चाहते हैं, और जैन फेब एंड मार्च इसके लिए आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है कैश एंड बजट, कैश बजट बनाना है जैन फेब मार्च। टिपिकली द कंपनी कलेक्ट्स 20% ऑफ इट्स सेल्स इन द मंथ ऑफ सेल्स, जो भी आपका सेल होगा इसका मतलब 20% आपका सेम मंथ में मिल जाएगा आपको, 70% नेक्स्ट मंथ मिलेगा सेल होने के बाद, एंड 10% इन द सेकेंड मंथ। ओके, दिस इज 20% सेम मंथ, 70 नेक्स्ट, एंड 10% सेकेंड मंथ। ओके, ऑल सेल्स आर क्रेडिट, तो अभी नो झंझट ऑफ कैश सेल्स, ऑल सेल्स आर ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट इक्विटी है आपके पास, एसेट्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग मैंने आपको बताया था डिविडेंड देने के बाद जो भी पैसा आपके पास बचेगा दैट इज ए रिटेन्ड अर्निंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अकाउंट्स पेएबल, लोन फ्रॉम बैंक, अदर लाइबिलिटीज, नेट फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्रीज, अकाउंट रिसिवेबल, कैश एट बैंक। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आर मेड इन द मंथ प्रायर टू द सेल्स, इसका मतलब अगर आपका अप्रैल में सेल है तो आपको मार्च में मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। परचेज ऑफ मटेरियल आर मेड इन द मंथ ऑफ प्रायर टू द सेल एंड द अमाउंट टू 60% ऑफ द सेल्स, जो भी सेल्स रहेगा उसका 60% हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल परचेज करेंगे। पेमेंट फॉर दिस परचेज अकर्स इन द मंथ आफ्टर द परचेज, का मतलब मार्च में लिया तो आपको कब पेमेंट करना पड़ेगा, अप्रैल में, ठीक है। पेमेंट ऑफ दिस परचेजेस अकर्स इन द मंथ आफ्टर द परचेज। लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवर टाइम आर एक्सपेक्टेड टू बी 115 जैन, 200 इन फेब एंड 160 इन मार्च, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ऑल द फिगर्स इन थाउजेंड। ओके, नाउ मार्च सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, कैश एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी 1 लाख रुपीज पर मंथ फॉर जैन फेब एंड मार्च, 1 लाख रुपीज पर मंथ। ऑलराइट, एक्चुअल सेल्स इन नवंबर एंड दिसंबर एंड प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर जनवरी थ्रू अप्रैल आर एज फॉलोज, राइट, एंड ऑल फिगर्स इन थाउजेंड, नवंबर दिसंबर जैन फेब का सेल, मार्च अप्रैल का सेल। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश बजट एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एडिशनल बैंक बोरोइंग नेसेसरी टू मेंटेन ए कैश बैलेंस 50,000 ऑल द टाइम्स, इट मीन्स आपको मिनिमम 50,000 का बैलेंस तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम बैलेंस आपका क्या चाहिए 50,000। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं दैट इज व्हाट इज ए प्रेजेंटेशन, बच्चे लोग प्रेजेंटेशन बराबर से नहीं समझ पाते। ओके, हम लोग बहुत स्लो जाएंगे, बहुत आराम से जाएंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, प्लस उसकी बैलेंस शीट भी हम लोग बनाएंगे, तो क्या आपका एकदम प्रॉपरली आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। सही है सुनो फ्रेंड, आर यू फॉलोइंग ऑन? ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाइए, मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग से ही, व्हाट डू मीन बाय कैश बजट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग फ्यूचर एस्टिमेट्स, एक फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश बजट। कैश बजट यू डिवाइड इन टू, वन इज ए रिसिप्ट साइड एंड वन इज ए पेमेंट साइड, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाइए, फर्स्ट इज ए माया लिमिटेड, स्टेटमेंट शोइंग कैश बजट फॉर जैन फेब मार्च, फॉर जैन फेब मार्च 2021, राइट, क्या लिखा फ्रेंड्स मैंने, माया लिमिटेड स्टेटमेंट शोइंग कैश बजट फॉर जैन फेब एंड मार्च 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम हम लोग कर रहे हैं, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एंड पेज नंबर 10.50 फ्रॉम ICAI मॉड्यूल से हम लोगों ने इसका लिया। सही है सुनो फ्रेंड, अंडरस्टैंड? ओके, सबसे पहले आप आ जाइए
जैन फेब मार्च ए रिसिप्स ओके, दिस इज योर टोटल ऑफ ए से यस विल कंटिन्यू देन बी पेमेंट्स ऑल राइट फ्रेंड्स राइट पेमेंट्स देन उसके साथ साथ वी वॉन्ट मिनिमम बैलेंस देन यू विल गेट द टोटल ऑफ बी ए माइनस बी बैलेंस अगर नेगेटिव आया तो यू कैन बोरो द मनी बोरोइंग या अपन क्या बोल सकते हैं इसको अपन को बोरिंग चाहिए ना फ्रेंड्स ऑल राइट फ्रेंड्स ए माइनस बी अगर इन केस देर इज ए नेगेटिव बैलेंस देन देर इज ए बोरिंग्स ऑल राइट देन देर इज ए री पेमेंट्स उसके बाद फाइनल बैलेंस देन एड मिनिमम बैलेंस एंड देन बैलेंस कैरी फॉरवर्ड सही है सर ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं प्रॉपर क्या आ जाएगा आपका मिनिमम बैलेंस ओके टोटल ऑफ बी ए माइनस बी बैलेंस बोरोइंग्स रीपेमेंट्स फाइनल बैलेंस मिनिमम बैलेंस ऐड करेंगे कैरी फॉरवर्ड ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको समझना करके ना ये सेम फॉर्मेट में आपको जाना है आर यू फॉलोइंग ऑन नॉट फ्रेंड्स ठीक है आ जाइए ये आपका जितने भी अपने फिगर्स रहेंगे वो किस में रहेंगे रुपीज इन थाउजेंड्स ऑल द फिगर्स ऑल रुपीज इन थाउजेंड ओके अब वन बाय वन करके हम लोग इसको कर लेते हैं राइट आर यू फॉलोइंग ऑन फ्रेंड्स वन बाय वन अपन इसको ले लेते हैं राइट कंसीडर द बैलेंस शीट इट मीन्स सबसे पहले अपन जो बनाते थे दिस इज योर नोट नंबर वन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च एंड अप्रैल सही है सुनो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऑल फिगर्स आर इन थाउजेंड राइट इन वर्किंग नोट ऑल्सो वॉट योर सेल्स इज 500 600 600 1000
650 एंड 750, दिस इज द सेल्स फिगर इज गिवन टू यू. ओके, अब क्या बोल रहे हैं, एज ए रिजल्ट इट्स फोरकास्ट कैश रिक्वायरमेंट. ठीक है, टिपिकली द कंपनी कलेक्ट्स 20% ऑफ इट्स सेल्स इन द मंथ ऑफ सेल्स. इट मीन्स 20% इन द सेम मंथ, देन 70% इन द नेक्स्ट एंड 10% इन द सेकेंड मंथ. This will be your total. Say yes or no. Means 100, 350, 50. Okay. 120, 420, 60. 120, 420, 60. 200, 700, 100, 130, 650, 650 का 70% is 650 into 70% is 455, और 750 का 20% is 150. सही है सर, बोलो यार सर. इट मीन्स ये आपका दे रखा है सेल्स 500, 600, 600, 1000, 650, 750, 20% इन द सेम मंथ. इट मीन्स 100, 120, 120, 200, 130, 150. ठीक है, देन 70% इन द नेक्स्ट मंथ, 70% एंड 10% इन द सेकेंड मंथ, 50, 60, 60 एंड 100. इट मीन्स योर टोटल कलेक्शन विल बी, बिकॉज वी आर मेनली कंसर्न विद जैन, फेब एंड मार्च. इट मीन्स 120 प्लस 420 प्लस 50, दिस कम्स टू 590, 200, 420, 60 कम्स टू 680, 130, 700 एंड 60 कम्स टू 890, 580. ये आपको क्लियर हुआ कि नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल. ठीक है, अब बैलेंस शीट में कौन सा वैल्यू जाएगा. इट मींस बैलेंस शीट में आपका डेटर्स का क्या वैल्यू आएगा. देखो फेब का 20% तो फेब में कलेक्ट हो गया, फेब का 70% यहां हो गया, फेब का 10% अपने को बचा. इसका मतलब फेब का 10% ऑफ 1000 आपका आ जाएगा 100 रुपीज, दिस इज आउटस्टैंडिंग. और मार्च में आपने सेल की तो 20% तो कलेक्ट हो गया, अब 80% रह गया मार्च का ना, क्योंकि 70 होगा नेक्स्ट और उसके बाद, तो 80% ऑफ 650 विल बी, 650 का 80% विल बी 520 एंड योर टोटल आउटस्टैंडिंग विल बी 620. ये क्लियर हुआ कि नहीं. मींस फेब में जो आपने सेल किया है 1000 का, उसका 20% तो आ गया बराबर, 70% यहां आ गया, तो 10% आपके पास बचा, फेब का 10% बचा. और मार्च का क्योंकि ओनली 20% ही कलेक्ट हुआ है, तो 80% आपका रह गया. इट मीन्स टोटल आपका डेटर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, टोटल डेटर्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 6. सही है, सुनो.
परफेक्टली क्लियर होगा, ऑल फिगर्स इन थाउजेंड। ये फिगर आपका कहाँ चला जाएगा, ये फिगर आपका चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, और ये आपको आ जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 590, 680, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 590, 680 एंड 890, ये आपका कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 590, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 590, 680 एंड 890 आ जाइए आप। कलेक्शन फ्रॉम, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस एंड देन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, नोट नंबर वन इज 590, 680 एंड 890, और ये जो अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा आपका बैलेंस शीट। सही है सुनो फ्रेंड्स, ये आपका हो गया दिस। ओके, अब आप आ जाइए, आप लोग ओपनिंग कैश बैलेंस आपको दे रखा है 50। ओके, ओपनिंग कैश बैलेंस इज गिवन इन द बैलेंस शीट इज ए 50। ओके, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम हमको कितना बैलेंस चाहिए, 50, 50 एंड 50। ये बहुत ध्यान से आप जरा इसका जो प्रेजेंटेशन है उसको बराबर से आप जरा समझिए, तो ही आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, नाउ गो टू नोट नंबर टू, दिस इज नोट नंबर टू, परचेज, परचेजेस और यू कैन से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। ठीक है, अब आप आ जाइए, परचेजेस एंड क्रेडिटर्स, दिस इज नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, परचेजेस, परचेजेस मीन्स क्रेडिटर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओके, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स आर 60%, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आर मेड इन द मंथ प्रायर टू द सेल्स एंड द अमाउंट 60% ऑफ द सेल्स। इसका मतलब पहले 60% ऑफ सेल्स, दिस विल बी योर परचेजिंग। ओके, 60%, इसका मतलब नवंबर में खरीदना तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, दिसंबर का 60% ऑफ 600, देन 60% ऑफ 600, देन 60% ऑफ 1000, देन 60% ऑफ 650, देन 60% ऑफ 750, इट मींस 360, 600, 650 का 390 इज 450। ऑलराइट फ्रेंड, से क्लियर, परफेक्टली क्लियर, नो कंफ्यूजन। ये आपका क्या होगा परचेजेस, ये आपका परचेजेस, एंड देन नाउ
पेमेंट नंबर नील 360, 360, 600 and 390. सही आंसर। दिस इज योर परचेजेस 60% ऑफ दी नेक्स्ट मंथ सेल्स हम लोग परचेज करेंगे प्रीवियस में और एक महीने के बाद उनको पेमेंट करेंगे। बराबर क्या बोल रहा है 360, 360, 600 and 390। इट मीन्स हमारा पेमेंट होगा जनवरी फरवरी एंड मार्च। ये हमारा क्या हो जाएगा पेमेंट जैन फेब एंड मार्च। परचेज टू क्रेडिटर्स अपना क्या रहेगा 360, 60 and 360। फेब का था वो जैन में परचेज, फेब का था जैन में परचेज किया, जैन का था दिसंबर में परचेज कर दिया, जैन में पे कर दिया, राइट। और हमारा आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट बचेगा, जो हमारा आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिटर्स का जो अमाउंट बचेगा वो हमारा रहेगा ये 450 जो हम लोगों ने पे किया है। इसका मतलब बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स जाएगा दिस इज बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स का अमाउंट रहेगा, क्रेडिटर्स का अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा 450। क्योंकि ये जो मार्च वाला जो आउटस्टैंडिंग है राइट, मार्च वाला है वो हम कब पे करेंगे अप्रैल में, तो मार्च में तो ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा ना। यहाँ पे अपने को बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च के लिए 2021। तो क्रेडिटर्स में अपना क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स में अपना आ जाएगा 450। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बराबर, तो क्योंकि अपने को बैलेंस शीट भी बनाना है तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स आपका हो जाएगा 360, 360, 360, 600 and 390। ओके, पेमेंट टू क्रेडिटर्स आपका आ जाएगा, फ्रेंड्स बोलो पेमेंट टू क्रेडिटर्स आपका आएगा 360, 600 and 390। ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स 360, 600 and 390। दिस इज योर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज 360, 600 and 390। सही आंसर ऑल राइट। और क्रेडिटर्स का हमारा आउटस्टैंडिंग का भी बैलेंस आ गया 360, 600 and this। नाउ पेमेंट टू दिस 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 लेबर कॉस्ट, दिस इज लेबर कॉस्ट। आपका लेबर कॉस्ट आ जाएगा 150, 200, 150, 200 and 160। देन आपका आ जाएगा सेलिंग एंड एडमिन आपका क्या आएगा 100, 100 and 100। सही है, सुनो 100, 100 and 100। All right, friends, is this clear? No. ठीक है, पेमेंट्स में आपका आएगा 360 + 150 + 100 + 50 = 660। Then 600 + 200 + 100 + 50 = 950। And then 390 + 160 + 100 + 50 = 700। Is this clear? All right. Barabar. Now, what is the payment? It means 50 + 590 = 640 and payment is 640 - 660 - 20 =
नेगेटिव 20 है तो 20 का बोरोइंग करेंगे, रीपेमेंट नील, फाइनल बैलेंस जीरो, क्योंकि 20 पॉजिटिव, 20 नेगेटिव, 20 पॉजिटिव, ये आपका फाइनल बैलेंस क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, मिनिमम बैलेंस जो था 50, तो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आपका हो जाएगा 50। दिस इज क्लियर और नॉट फ्रेंड्स? आपका 660 का पेमेंट है, 640 का आपका रिसीट है, आपका रिसीट कितने का है 640, पेमेंट कितने का है 660, तो लॉस कितने का होगा 20, तो 20 का लॉस है, इसका मतलब 20 नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो 20 का आपको लोन लेना पड़ेगा, 20 का लोन लिया, जीरो हो गया फाइनल बैलेंस, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो। 50 आपके पास ऑलरेडी था, 50 कैरी फॉरवर्ड होगा, ये 50 और ये 50 आपका आ जाएगा, सो 50 प्लस 680 इज 730। 730 में आपका पेमेंट है 950, इट मींस लॉस ऑफ 220, नेगेटिव बैलेंस 220, तो 220 का लोन ले लेंगे, ये नील आ जाएगा, ये जीरो, 220 पॉजिटिव, 220 नेगेटिव, 50 कैरी फॉरवर्ड 50, ऑल राइट, देन दिस इज 50, 50 प्लस 890 इज 940, 50 प्लस 890 इज 940, ऑल राइट, पेमेंट करिए फ्रेंड्स आप, 940 माइनस 700 इज 240, 240 आपके पास पॉजिटिव है, एंड 240 का ही आपका लोन है, बहुत ध्यान से सुनना आप, 240 आपके पास पॉजिटिव है और 240 का ही आपका लोन है, तो हम लोग क्या कर देंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन, आपके पास क्या आएगा बैलेंस जीरो, 50 मिनिमम बैलेंस है, तो आपका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस क्या हो जाएगा 50। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? ये दोनों मिला के, ये जो आपके लोन आउटस्टैंडिंग थे, ये जो लोन आउटस्टैंडिंग थे 240 नेगेटिव, 240 पॉजिटिव, और 50 आपका क्या हो जाएगा, दिस में। सो दैट इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट पार्ट, अपने को क्या बोल रहा है फर्स्ट पार्ट, अपने को क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, दिस इज योर आंसर नंबर, आपका क्या हो जाएगा आंसर नंबर ए, दिस इज योर आंसर नंबर, आंसर नंबर ए। प्रिपेयर ए कैश बजट एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एडिशनल बैंक बोरिंग नेसेसरी टू मेंटेन ए कैश बैलेंस ऑफ 50,000 एट ऑल टाइम्स फॉर द मंथ ऑफ जैन, फेब एंड मार्च। आपको मिनिमम इतना बैलेंस, ये आपका रिसीट साइड हो गया और ये आपके पेमेंट साइड हो गया, ये जो पार्ट है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मेट, अगर आप ये फॉर्मेट से जाओगे तो आपका काम एकदम ईजी हो जाएगा, ये आपका काम एकदम इजी हो जाए, सही आंसर होगा, परफेक्टली क्लियर, ये आपका ए पार्ट हो गया। ओके, अब आप आ जाइए, सिजोर क्या बोल रहा है, प्रिपेयर ए प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट। ओके, प्रिपेयर ए, इट मींस दिस इज प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट एज ऑन 31st 3 2021, एंड दिस इज रिलेटेड टू योर माया लिमिटेड। ठीक है, सिंपल बैलेंस शीट आपको बना देना है, नो चेंजेस, दिस इज योर लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और आपके सारे आंसर ICICI के साथ टैली होने चाहिए, वो आप जरा ध्यान रखिए, इट मीन्स इक्विटी कैपिटल में तो नो चेंज है, 100 का 100 रहेगा, रिटेन्ड अर्निंग, यस रिटेन्ड अर्निंग, इसके लिए आप बनाइए नोट नंबर छोटू ए। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नो चेंज, 450 का 450 रहेगा, अकाउंट्स पेबल इट मींस क्रेडिटर्स के लिए आप बनाइए
नोट अपन ने बनाया था, नोट नंबर 2 से आ जाएगा। लोन फ्रॉम बैंक नो चेंज, लोन फ्रॉम बैंक नो चेंज 400 एंड अदर लाइबिलिटीज नो चेंज, अदर लाइबिलिटीज 212 नो चेंज। सही आंसर ना फ्रेंड्स। ओके अब आप आ जाइए क्रेडिटर्स नोट नंबर 2। क्रेडिटर्स आपके कितने थे? 450 के क्रेडिटर्स थे ना फ्रेंड्स। दिस इज योर क्रेडिटर्स 450। ओके अब आपका रिटेन्ड अर्निंग एक आपका रह गया, ये अपन ले लेते हैं ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए नेट फिक्स्ड एसेट्स इज 1836। देन इन्वेंट्रीज निकालना पड़ेगा, डेटर्स हम लोगों ने निकाले थे रिफर नोट नंबर 1। डेटर्स अपन ने कितना निकाला था फ्रेंड्स? डेटर्स 620, डेटर्स हम लोगों ने निकाला था 620 रिफर नोट नंबर 1। अकाउंट्स रिसीवेबल कैश एट बैंक ये सेम रहेगा आपका, कैश एट बैंक इज 15। सही है सर, कैश एट बैंक आपका क्या रहेगा? 15। ओके अब आ जाइए फ्रेंड्स रिटेन्ड अर्निंग, इट मीन्स दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले आप ले लीजिए सेल्स, आपका सेल क्या आ जाएगा? और योर सेल्स जैन फेब मार्च का आपका सेल्स आएगा, जैन प्लस फेब प्लस मार्च, जैन फेब मार्च का आपका सेल आ जाएगा। जैन का सेल 600, फेब का 1000 और मार्च का 650। 600 1650 इज 2250, ऑल फिगर्स आर इन 1000 ठीक है। 2 purchases जैन फेब एंड मार्च, इट मीन 60% ऑफ द सेल्स 60% ऑफ 2250, जैन फेब मार्च का 2250। सो दिस कम्स टू 2250 का 60% इज 1350। टू लेबर कॉस्ट अपन को दे रखा है फ्रेंड्स 150 200 160 इज 510। टू सेलिंग एंड एडमिन अपने को दे रखा है 100 प्लस 100 प्लस 100, दिस कम्स टू 300 राइट। एंड टू नेट प्रॉफिट विल बी बैलेंसिंग फिगर, इट मीन्स 2250 माइनस 1350 माइनस 510 माइनस 300 एंड दिस इज 90। ये आपको क्लियर हुआ है फ्रेंड्स? बोलो सेल्स डायरेक्टली अपन ले लेंगे, जैन फेब मार्च का 3 महीने का अपन को बनाना है। दिस इज फॉर 31/3/2021 सेल्स, दिस इज परचेजेस जैन फेब मार्च का 60% ऑफ द सेल्स, लेबर सेलिंग एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट। ओके तो इस बार का नेट प्रॉफिट 90 एंड व्हाट अबाउट योर ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग आपका था 1439, तो कैरी फॉरवर्ड आपका बैलेंस हो जाएगा इस 90 प्लस 1439 इज 1529। बैलेंस शीट में जो आपका आएगा वो आएगा
दिस गोज टू योर बैलेंस शीट, इट मीन्स दिस इज योर नोट नंबर ए. वॉट इज द नोट नंबर ए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, दिस इज योर सेल्स, परचेजेस, लेबर, सेलिंग एक्सपेंसेस, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस विल बी बैलेंस. परफेक्टली क्लियर? ओके, तो बैलेंस शीट में आपका चला जाएगा 1529. ओके, सो दिस इज 100 प्लस 1529 प्लस 450 प्लस 450 प्लस 400 प्लस 212 इज 3141. 3141. 1836 प्लस 620 प्लस 50 माइनस 3141. आपका जो स्टॉक का वैल्यू आएगा दिस इज 635. आपका जो स्टॉक आएगा वो क्या आएगा बोलो? आपका जो स्टॉक आएगा दैट इज ए बैलेंसिंग फिगर. स्टॉक आपका जो आएगा दैट इज ए बैलेंसिंग फिगर. ऐसे अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको, राइट? 1836 प्लस 635 प्लस 620 प्लस 50 इज 3141. ये आपका क्या आ जाएगा? नाउ टेल मी फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर होगा? आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सही है सर? अगर आपको चाहिए तो इसका अपन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं. स्टॉक वाली पार्ट का, ये स्टॉक वाला जो पार्ट है उसका अपन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं. ऐसे तो बैलेंसिंग फिगर आ गया. देखो कैसे वेरीफाई करेंगे. व्हाट इज योर ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है बैलेंस शीट में 545, ऑल फिगर इन 1000. देन परचेजेस, परचेजेस 60% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स. व्हाट इज द नेक्स्ट मंथ सेल्स? इज फेब, मार्च और अप्रैल. 1000 प्लस 650 प्लस 750, इट मींस 1000 प्लस 650 प्लस 750 का 60% आपने परचेस किया है 1440 लेस. सेल्स कितना किया है? इसका मतलब 60% ऑफ कितने का मटेरियल आपने सेल कर दिया? इट मीन 60% ऑफ 600 प्लस 1000 प्लस 650. 600 प्लस 1000 प्लस 600 प्लस 1000 प्लस 650 इंटू 60% इज 1350. ऐसे भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं. इट मीन्स 545 1440 माइनस 1350 इज 635. आर यू फॉलोइंग फ्रेंड्स? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो अपन को दे ही रखा है, ओपनिंग स्टॉक अपन को दे रखा है. देन परचेजेस, परचेजेस क्या रहेगा? नेक्स्ट मंथ का, बराबर है? तो अपन प्रीवियस में ले लेंगे. इसका मतलब फेब, मार्च और अप्रैल का अपन परचेज करेंगे और सेल करेंगे जैन, फेब और मार्च का. बाकी का जो बचेगा दैट इज ए क्लोजिंग स्टॉक. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन. इसमें आपका बैलेंस शीट भी है,
आपको बैलेंस शीट भी बताया बोला है उन्होंने बनाने के लिए, एंड प्लस आपको ये कैश बजट भी आपको बनाने को बोला है। सही है सुनो फ्रेंड्स, ऑलराइट। अब आपको नेक्स्ट में आपको बताता हूँ जिसमें आपको फंड फ्लो बनाने को भी बोला है उन्होंने। एक्चुअली फंड फ्लो आपके सिलेबस में नहीं है, फंड फ्लो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीए फाइनल में ओल्ड सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उन लोगों ने मॉड्यूल में डाल दिया है, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ओके, फंड फ्लो का क्या है करके ना, वो आप जरा देख लीजिए। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब आप आ जाइए एंड दिस इज योर फंड फ्लो वाला भी क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब अपन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका जो ए पार्ट है वो आपके सिलेबस में है, बी पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, फंड फ्लो वाला पार्ट नहीं। एक्चुअली ये क्या है, सीए फाइनल का पास एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है और वो इंस्टीट्यूट ने आपके मॉड्यूल में डाल दिया है। तो आपका ए पार्ट तो आपको आएगा कैश बजट, लेकिन बी पार्ट फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से करा देता हूँ। ओके, बी पार्ट आपको मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है, ए पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इज़ ए कैश बजट, लेकिन वो भी रिवर्स वाला है। हाँ, मजा आएगा आपको करने में। देखिए जरा क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन 7, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिपार्टमेंटल स्टोर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द 3 month एंडिंग 31 मार्च 2021, 2021। ओके, मंथ वाइज कैश बजट ऑन रिसीट एंड पेमेंट बेसिस, वो तो हम रिसीट एंड पेमेंट बेसिस पे ही हम लोग बनाते हैं उसको, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड यूजेज ऑफ फंड्स, एक्चुअली दिस इज अ फंड फ्लो, पहले हुआ करता था आपको एफएम में, अकाउंट्स में भी आता था। दिस इज अ फ्लो ऑफ फंड, फ्लो ऑफ फंड बिटवीन टू पीरियड्स, उससे रिलेटेड है। इट इज एंटिसिपेटेड दैट द वर्किंग कैपिटल एंड अदर अकाउंट बैलेंस एट 1 जनवरी 2021 विल बी एज फॉलोज। आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस है, ऑल फिगर इन थाउजेंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स स्टॉक, ट्रेड क्रेडिटर्स, अदर क्रेडिटर्स, डिविडेंड पेबल, टैक्स ड्यू, प्लांट, बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है, एंड ऑल बजटेड बैलेंसेस एट द एंड ऑफ ईच मंथ। आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स स्टॉक, ट्रेड क्रेडिटर्स, अदर क्रेडिटर्स, डिविडेंड पेबल, टैक्स ड्यू, प्लांट डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन 60,000 इज इंक्लूडेड इन द बजटेड एक्सपेंडिचर। जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें बहुत अच्छा पॉइंट है, प्लीज अंडरलाइन दैट, 60,000, बहुत अच्छा पॉइंट है, 60,000 रुपीज़, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, आप जरा देखिए, मैं आपको बताऊँ सेकेंड पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फर्स्ट पार्ट आपका जो कैश बजट वाला पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले अपन वही बना लेते हैं अपना, दिस इज द फॉर्मेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन डिपार्टमेंटल स्टोर ना, इट मीन्स दिस इज योर दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग कैश बजट, स्टेटमेंट शोइंग कैश बजट फॉर जैन, फेब, मार्च एंड 2021, जैन फेब मार्च 2021 कैश बजट। जैन फेब मार्च ए रिसीप्स टोटल ऑफ ए
हो जाएगा फ्रेंड्स टोटल ऑफ ए। ऑलराइट, टोटल ऑफ ए सही आंसर है फ्रेंड्स। देन गो जैन पैक मार्च, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखिए। मार्च दिस इज पेमेंट्स, दिस इज टोटल ऑफ बी, ए माइनस बी इज योर क्लोजिंग बैलेंस। सही है सुनो, ए माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, वन बाय वन आप आ जाइए। ऑल फिगर इज इन थाउजेंड्स ओनली, ओके। ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है ओपनिंग बैलेंस इज 545। ऑलराइट, वन बाय वन पहले नोट नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश इन हैंड आपका हो गया फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके पास 1 जनवरी को था 300 का। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके पास, दिस इज योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नोट नंबर वन। देखिए जनवरी में आपके पास कितने का था, 1 जैन को आपके पास था 300 का, ओके। और 31 जैन को, 31 जैन को ये लोग बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 700 का हो गया। इसका मतलब आपका इंक्रीज हो गया 300 से, तो इसका मतलब 400 आपने क्या किया होगा, परचेस। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। सही है सर, 1 जनवरी को 300 था, 31 को 700 हो गया, तो 400 का बढ़ गया, तो आपका एंट्री क्या पास हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, आपका पैसा बाहर गया, आउटफ्लो हो जाएगा। सही है सुनो फ्रेंड्स, ये परचेस किया, आउटफ्लो हो जाएगा, ये कभी का बात था। अब आप आ जाइए, अब 1 फेब को आपके पास ये 700 वाला बैलेंस रहेगा, लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि 28 फेब को आपका जीरो हो, इसका मतलब क्या हो गया, ये सेल हो गया 700 का, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, इनफ्लो। देन 1 मार्च को आपके पास कुछ भी नहीं है, 1 मार्च को आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैंने 200 का क्लोजिंग बैलेंस है, कहाँ पर, 31 3 को, इसका मतलब आपने परचेज किया होगा, परचेजेस रहा होगा आपका कितना, 200। सही आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर आउटफ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जैन को 300 का बैलेंस था, 31 जैन को 700 हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब खरीदा होगा, परचेस, तो आउटफ्लो हुआ आपका। 1 फेब को, ये आपका बैलेंस 1 फेब को है, 28 फेब को बोल रहे हो जीरो, इसका मतलब सेल कर दिया होगा, तो पैसा इनफ्लो हुआ होगा। 1 मार्च को जीरो है आपके पास, कुछ भी नहीं था, 31 मार्च को आप बोल रहे हो नहीं 200 है, इसका मतलब आपने परचेस किया होगा, कितने का परचेस किया होगा, 200, तो आपका आउटफ्लो हो गया। इसका मतलब ये आपका कहाँ, 400 आपका आउटफ्लो में जाएगा, 700 आपका इनफ्लो में जाएगा, और ये आपका आउटफ्लो में जाएगा। आ जाइए, सबसे पहले आप देख लीजिए, पहले आपका 300 था, 700 हो गया, इसका मतलब आउटफ्लो हुआ आपका, इट मींस
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 400, फिर आपने सेल किया है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 700, फिर आपने क्या किया है, सेल किया है बराबर, फिर आपने परचेज किया है 200, सही आसान हो रहा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परफेक्ट। अब आप आ जाइए, दिस इज योर नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 एंड दिस इज योर अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2, दिस इज योर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ओके, बहुत ट्रिकी है क्वेश्चन, ध्यान से आपको करना पड़ेगा। इट मींस जैन फेब एंड मार्च, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है जैन फेब मार्च, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ओके, जैन फेब एंड मार्च, सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का क्या है बराबर, आपने कितने का सेल्स किया है और व्हाट इज योर क्लोजिंग बैलेंस बराबर, बाकी का जो बचेगा दिस इज योर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है, आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है बराबर, और कितना आपने सेल किया है। तो ओपनिंग बैलेंस आपका डेटर्स का था 2570, और आपने सेल किया है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ 2100 जैन में एंड 1800 फेब में और 1700 मार्च में, और आपका क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इज 2600, 2500 एंड 2350 बराबर। आपका ओपनिंग बैलेंस था 2570, आपका ओपनिंग बैलेंस था 2570, आपने सेल किया 2100 और आपको क्लोजिंग बैलेंस है 26, इसका मतलब आपको 2070 का कलेक्शन हुआ होगा, सही है सुनो फ्रेंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट। आपका ओपनिंग बैलेंस था ये, आपने सेल किया ये, आपका क्लोजिंग ये है, तो कलेक्शन आपका क्या हो जाएगा 2070। अब यही आपका, यही क्लोजिंग है वो आपका क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 2600, इट मीन्स 2600 प्लस 1800 माइनस 2500 इज 1900, देन ये आपका ये क्लोजिंग है वो आपका ओपनिंग बन जाएगा। सो 2500, 1700 लेस 2350 इज 1850, ये आपका कलेक्शन हो गया, दिस इज द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ओपनिंग प्लस जो भी सेल किया है माइनस क्लोजिंग, बाकी का जो है वो पैसा आपका आ जाए, ओपनिंग बैलेंस सेल किया है वो ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग माइनस करो, और आप अकाउंट बना के भी कर सकते हो, ओपनिंग सेल किया है दिस, डेटर्स अकाउंट बना के भी आप करोगे तो उससे भी आपको आ जाएगा, टू ओपनिंग बैलेंस टू सेल्स बाय क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर जो आपका बचेगा वो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज अगर अपन बनाते हैं दिस इज डेटर्स अकाउंट, ठीक है, टू ओपनिंग बैलेंस कितना था 2570, टू सेल्स कितना है
2100 बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2600 बाय बैंक आपको आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, इट मीन्स 2570 प्लस 2100 इज 4670 माइनस 2600 इज 2070 एंड नाउ दिस इज क्लियर, दिस इज अ ऑल्टरनेटिव ओपनिंग बैलेंस, सेल्स अपन ने इतना किया ये हो गया, उसमें से क्लोजिंग बैलेंस ये हो गया, बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका क्या हो जाएगा जी? सही है, सुनो परफेक्टली क्लियर होना, तो आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गया तो कलेक्ट 2070 1900 and 1850 कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आपका आ जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नोट नंबर 2070 1900 1850 Is this clear or not, friends? Alright. ये आपका 2070 1900 1850 अब आप आ जाइए फ्रेंड्स डेटर्स के बाद स्टॉक, अब स्टॉक को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक से आपका क्या मिलेगा परचेजेस, बराबर, क्योंकि स्टॉक में चेंजेस है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी है तो उससे आपको क्या मिलेगा परचेजेस, और परचेजेस से हमको क्या मिलेगा क्रेडिटर्स, ये जरा ध्यान रखना आप हैं। अब आप आ जाइए दिस इज योर नोट नंबर 2 हम लोगों का हो गया था, हाउ यू कम टू दिस इज योर नोट नंबर 3 जैन फेब मार्च, बराबर, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक, आपको याद है कॉस्टिंग में हम करते थे कंजम्पशन एड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, ये आपको क्या देगा परचेजेस, कंजम्पशन क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक आपको क्या देगा, अब यहां पर कंजम्पशन नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही हम लोग कंजम्पशन मान लेंगे, यहां पे कंजम्पशन नहीं है तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा जो है वही हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू कंजम्पशन, सो कंजम्पशन इज ए कॉस्ट ऑफ सेल्स, बराबर, सो दिस इज 1635 1405 and 1330 एड क्लोजिंग स्टॉक आपका 1200 दे रखा ना 31 जैन को, देखो क्लोजिंग स्टॉक 1200 देन क्लोजिंग स्टॉक 1100 एंड 1000 लेस ओपनिंग स्टॉक आपका आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक 1300 ये यहाँ पे बन जाएगा 1200 और ये यहाँ पे बन जाएगा 1100 तो ये हमारा क्या आ जाएगा परचेज फिगर 1635 प्लस 1200 माइनस 1300 इज 1535 आपका परचेजेस आएगा 1535 1405 प्लस 1100 माइनस 1200 इज 1305 1330 प्लस 1000 लेस 1100 इज
1535 1305 1205 1230, ये आपका क्या हो जाएगा परचेसेस बराबर एड एड ओपनिंग बैलेंस, ये आपका परचेजेस, ये आपका क्या हो जाएगा बोलो परचेजेस बराबर, ये आपका परचेजेस बराबर एड ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको क्या दे रखा है क्रेडिटर्स का, ट्रेड क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 2110 ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस आपका 2110 ओके। और जेन का जो क्लोजिंग है वो आपका ओपनिंग बन जाएगा 2000 बराबर, और ये आपका बन जाएगा 1950। परचेजेस, एक सेकेंड, परचेजेस, ये आपका परचेजेस हो गया। एड ओपनिंग बैलेंसेस बराबर, ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका, ओपनिंग बैलेंस है ट्रेड क्रेडिटर्स का 2110 लेस क्लोजिंग बैलेंस, और बाकी का आपका क्या आ जाएगा, दिस इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स ओके। 1535 का आपने खरीदा और उसका अपने पास वो पहले से बैलेंस था 2110, तो 2110 प्लस 1535 हमारे पास टोटल हो गया 3645। अब उसमें से उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, नाउ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स इज 2000 माइनस 2000 करेंगे, इसका मतलब हम लोगों ने पेमेंट कितना किया 1645 बराबर, ये 2000 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ट्रेड क्रेडिटर्स इज 1950, इट मींस 1305 प्लस 2000 माइनस 1950 इज 1355, और ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 1950, ओपनिंग हो जाएगा आपका एंड क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएगा 1900। 1230 प्लस 1950 माइनस 1900 इज 1280। अगर आपको चाहिए तो मैं अकाउंट बना के भी बता देता हूँ, दिस इज ए क्रेडिटर्स अकाउंट बराबर, बाय बैलेंस आपका पास बैलेंस कितना था ओपनिंग बैलेंस 2110 बाय परचेजेस, परचेजेस कितना किया आपने 1535, क्लोजिंग बैलेंस इज 2000, तो 2 यहाँ पे क्या हुआ होगा बैंक, इट मीन्स 2110 प्लस 1535 3645 माइनस 2000 इज 1645 3645। सही है, सुनो मिस, अल्टरनेटली आपको समझने के हिसाब से, ये क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस था, ये परचेज किया और उसमें से अब हम बोल रहे हैं अभी भी उसका इतना है, बाकी का हमने क्या कर दिया होगा पेमेंट, इसका मतलब आपका पेमेंट क्या आ रहा है 1645 1355 1280 1645 1355 1680 ये आ जाइए आप क्रेडिटर्स के ऊपर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नाउ दिस इज योर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, नोट नंबर देख लीजिए आप, पेमेंट टू क्रेडिटर्स नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1645
1645, 1355 एंड 1280। सही आंसर ना फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया फॉर क्रेडिटर्स पेमेंट। सही आंसर ना पेमेंट टू क्रेडिटर्स आपका आ रहा है 1645, 1355, 1280 एंड फॉर दैट यू रेफर योर नोट नंबर 3। आगे क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेक्स्ट। डेटर्स हो गया, स्टॉक ट्रेड अदर क्रेडिटर्स 200 का था एंड थ्रू आउट द टाइम 200 ही है, तो 200 नो चेंज। ठीक है, अदर क्रेडिटर्स नो चेंज। अदर क्रेडिटर्स के बाद ट्रेड करिए, डिविडेंड पेबल 485 था जैन में, और जैन में 485 है, जैन एंड में भी 485 है लेकिन फेब में 0 हो गया, इसका मतलब दिस इज आपने डिविडेंड पे कर दिया होगा। डिविडेंड आपने कब पे किया होगा इस 485 डिविडेंड पेबल 485। टैक्स ड्यू 320 थ्रू आउट द टाइम, आपका टैक्स ड्यू है 320, नो प्रॉब्लम। प्लांट 800 था, जरा ध्यान रखना, प्लांट 800 था बराबर, जनवरी में 800 था, जनवरी एंड में भी 800 है लेकिन फरवरी में आपका 1600 है, इसका मतलब प्लांट आपने कितने का लिया होगा 800, क्योंकि 1600 माइनस 800 फिर 1600 में से बैलेंस बोल रहा है 1550, इसका मतलब 1600 माइनस 1550 इज 50। दिस इज द प्लांट का हो गया आपका ना, सेल्स आ गया आपका, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, ग्रॉस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस क्या है आपके, एडमिन एंड सेलिंग इट मींस 315, दिस इंक्लूड्स 60, 270 इंक्लूड्स 60 एंड 255 इंक्लूड्स 60, 315 लेस 60 इज 255, 270 लेस 60 इज 210, 255 लेस 60 इज 190। सही आंसर दैट्स इट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इट मींस 400 प्लस 1645 प्लस 255 इज 2300, देन 1355 प्लस 485 प्लस 800 प्लस 210 इज 2850 एंड 200 प्लस 1280 प्लस 50 प्लस 195 इज 1950 1280। दिस इज अ, ये सेल में जाएगा ना, सेल हुआ ना, ये एसेट सेल हुआ है, इट मीन्स 200 प्लस 1280 प्लस 195 इज 1675, और वो एसेट सेल हुआ है ना आपका, फिक्स एसेट्स सोल्ड, क्योंकि कितने का था हमारे पास बैलेंस था 1600, ये फेब एंड में था और मार्च में हमारे पास बचा है ओनली 1550, इसका मतलब 1600 माइनस 1550 50 का हमारा सेल हो गया।
इग्नोर डेप्रिशिएशन भी उसने बोला है करके, इग्नोर द डेप्रिशिएशन। इसका मतलब इनफ्लो 545 प्लस 2070 इज 2615। पेमेंट आपने किया है 2300, आपके पास क्या आ जाएगा 315। देन 315 ओपनिंग, 315 प्लस 700 प्लस 1900 इज 2915। 2915 आपका बैलेंस 2915, 315 ओके, माइनस आपको करना है 2850 इज 65 ओके, 65 देन यू गो 65 इज ए ओपनिंग बैलेंस, 65 1850 प्लस 15 इज 1965 माइनस 1675 इज 290 विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस। सही है सनो फ्रेंड्स। ए पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बी आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बी उन्होंने लाइक यू नो फंड फ्लो का कॉपी कर दिया, अभी फंड फ्लो आपके एफएम में नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक उन्होंने बनाया है कि स्टेटमेंट फॉर चेंज फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में मैंने आपको बताया था चेंज इन कॉस्ट दिस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। आप करेंट एसेट्स आपको दे रखा है, करेंट लाइबिलिटीज दे रखा है, तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आपका नेट प्रॉफिट है, और मैंने आपको फ्लो फंड फ्लो का बताया था ना, इनफ्लो चैप्टर 7 के टाइम पे आपको मैंने बताया था, इनफ्लो मींस योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिशिएशन। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिशिएशन प्लस अपन ने सेल ऑफ प्लांट किया है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है इसका मतलब पैसा है, परचेज ऑफ प्लांट इट मींस आपका पैसा गया, पेमेंट टू डिविडेंड, तो आपका ये टैली हो जाएगा। ये आपको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा ऊपर ऊपर से देख के जाइए तो आपका काम हो जाएगा। सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर हो ना, मैंने आपको बताया था ना चैप्टर 7 के टाइम पे, याद है कैश इनफ्लो, दिस इज कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, ये अगर ऐड कर देंगे तो अपना आ जाएगा ओके। इतना आपको खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने जो किया वो परफेक्टली आपका हो गया। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स योर इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 पी एंड एल अकाउंट आपको दे रखा है और आपको प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। यू आर गिवन बिलो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2 years फॉर ए कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस आपको दे रखा है। सेल्स आर एक्सपेक्टेड इन ईयर 3, आपको एक्सपेक्टेड है 12 crore। एज ए रिजल्ट अदर एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 50 lakhs बिसाइड्स अदर चार्जेस। ओनली रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक, एज्यूम सेल्स एंड परचेज आर इन कैश टर्म एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाई सेम अमाउंट एज बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2। तो ईयर 1 और ईयर 2 में जितना भी डिफरेंस था आपका ईयर 1 ईयर 2 में, वही डिफरेंस आपको क्लोजिंग स्टॉक में लेना है। तो देखो ओपनिंग स्टॉक ईयर 2 में कितना था 1 crore बराबर, और क्लोजिंग कितना था 1 crore 50 lakhs। तो आपका डिफरेंस कितना हो गया इज ए 50 lakhs। यही डिफरेंस आपको कहाँ पे रखना है इन द थर्ड ईयर, ठीक है ऑल राइट नो प्रॉब्लम। यू मे एज्यूम दैट नो डिविडेंड इज बीइंग पेड ओके, द कंपनी कैन यूज 75% ऑफ द कैश जनरेटेड टू द सर्विस एज ए लोन। कंप्यूट हाउ मच कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी अवेलेबल इन ईयर 3 फॉर द पर्पज, इग्नोर द इनकम टैक्स बराबर। देखो कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मींस दिस इज योर
प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर 3। रुपीज इन लैक्स। ओके, सबसे पहले ओके ईयर 2, ईयर 3, ईयर 2, 3, ठीक है। फर्स्ट बाय सेल्स, आपको सेल्स कितना बोल रहे हैं 1200, क्योंकि आपका लास्ट ईयर क्या था, 1200, एंड ईयर टू में हमारा सेल था, ईयर टू में हमारा सेल था 1000, ओके। और मिसलिनियस इनकम में देयर इज नो चेंज, बाय मिसलिनियस इनकम कुछ बोला नहीं है, तो वी कैन टेक द सेम इज ए 10 लैक्स ओनली। ऑल राइट, टू मटेरियल कंज्यूम्ड, टू मटेरियल कंज्यूम्ड रेफर नोट नंबर 1 अपन कर लेंगे। टू स्टोर्स आपका क्या था 120, अब आपका 120 था फॉर द सेल ऑफ 1000, देन व्हाट इज द फॉर द सेल ऑफ 1200, 120 1000 इज 144, टू स्टोर्स हो गया, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना था 160 फॉर 1000, फॉर 1200 के लिए 160, 1200 डिवाइडेड बाय 1000 इज 192, टू अदर एक्सपेंस के लिए क्या बोला है उसने 100, और कितने से बढ़ जाएगा 50, 100 प्लस 50 क्या हो जाएगा 150, टू डेप्रिसिएशन क्या रहेगा सेम 100 एंड 100, सही है सुनो फ्रेंड्स। ओके, नाउ यू कम टू नोट नंबर 1, ईयर 2 ओपनिंग स्टॉक परचेजेस क्लोजिंग स्टॉक इज ए 100, ओपनिंग स्टॉक इज 100, परचेजेस इज 400 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज
ओपनिंग स्टॉक 100, परचेजेस 400, क्लोजिंग स्टॉक 150. इट मीन्स 100 प्लस 400 लेस 150 इज 350. सही है सुनो, दिस इज 350. नाउ 350 ईयर 350 इज फॉर 1000. 350 इज फॉर 1000, तो 1200 के लिए 420. दिस इज क्लियर और नॉट फ्रेंड्स. ओपनिंग स्टॉक आपको रॉ मटेरियल का दे रखा है. दिस इज ए रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक परचेजेस दे रखा है. क्लोजिंग स्टॉक कंजम्पशन आ गया. ईयर 350 फॉर 1000, तो 1200 के लिए 420. सही है सुनो, 420 का आपका कंजम्पशन हो जाएगा. इट मीन्स लास्ट ईयर 350, दिस ईयर 420. ओके, एंड टू नेट प्रॉफिट, इट मीन्स 1000 प्लस 10 माइनस 350 माइनस 120 माइनस 160 माइनस 100 माइनस 100 इज 180. ओके, एंड टोटल इज 1010 1200 10 माइनस 420 माइनस 144 192 150 एंड 100 इज 204 एंड टोटल विल बी 1210. सिंपली पीएनएल अकाउंट आपसे बन रहा है. अब मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी ना, आपके कैश फ्लो में आपको 204 का आपको नेट प्रॉफिट हुआ है. बराबर, कैश फ्लो आपको कितना हुआ, 204 का आपको नेट प्रॉफिट हुआ है. एड डेप्रिसिएशन इज 100, तो आपका क्या हो जाएगा, 204 प्लस 304, और 50 का आपका स्टॉक बढ़ गया. बराबर, आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ 50 का, वो माइनस करके आपका कैश फ्लो होगा 254. दिस टाइम आपका जो कैश फ्लो है वो कितना होगा, 254. इट मींस सपोज दिस इज योर कैश फ्लो. सॉल्यूशन बुक में भी दे रखा है, इज प्रॉफिट है आपका 204 एड डेप्रिसिएशन 100 304 एंड लेस इंक्रीजिंग स्टॉक बाय 50. उसने बोला ना 50 बढ़ाने के लिए, आपका इनफ्लो होगा आपका 304 माइनस 50 इज 254. इज दिस क्लियर ऑन नॉट फ्रेंड्स? प्रॉपर, मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में आपका प्रॉफिट के बारे में. सही आसन ऑफ. ओके, परफेक्टली क्लियर, नो कंफ्यूजन फ्रेंड्स? देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ना बार बार ये चीज बोला था कि FM करने के लिए आपका कॉस्टिंग बहुत ही मजबूत होना चाहिए. FM पढ़ने के लिए आपका जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए. बराबर, आपको याद है मैंने आपको एक कंसेप्ट कराया था EOQ वाला, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इट इज़ ए क्वांटिटी वेयर द
टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज मिनिमम, ईओक्यू याद है अपन क्या करते थे फॉर्मूला, 2AO डिवाइडेड बाई सी, ओके, ए फॉर एनुअल कंजम्पशन, ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सी फॉर कैरिंग कॉस्ट। उसी कंसेप्ट के बेस पे है आपका इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 10.24, इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 10.24। A firm maintains separate account for cash disbursement. The total disbursement है उनका 1,05,000 per month और 12,60,000 per year. Admin transaction cost of transferring cash to disbursement account is 20 rupees per transfer. Marketable securities yield, इसका मतलब वही ले लो आप formula. Determine the optimum cash balance according to the Williams. वही Williams का मैंने आपको बताया था. It means this is आपको डिटरमाइन ऑप्टिमम कैश बैलेंस इक्वल टू 2AO डिवाइडेड बाई सी, ए फॉर 12,60,000 दिस इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट, टोटल एनुअल, ठीक है, ओ फॉर अपन ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते थे, यहां पे बोलेंगे ट्रांसफर इज 20 एंड सी फॉर अपन कैरिंग बोलते थे, ये लोग इसको बोलते हैं मार्केट यील्ड, यील्ड इज 8%। क्या करेंगे फ्रेंड्स, इट मीन्स 2A 1260 O 20 divided by 0.08, it means 1260 into 2 into 20 divided by 0.08 and आपका आएगा 25,099 और यू कैन से 25,100 राउंड ऑफ करके 25 आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 25,100, ओके। अगर एग्जाम में नहीं पूछा है ये आपका आंसर हो गया, राइट, डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैश बैलेंस तो आपका ये हो गया। मैंने आपको क्या बताया था कॉस्टिंग के टाइम पर, यू कैन वेरीफाई ऑल्सो योर आंसर, राइट, इट मीन्स नॉट फॉर एग्जाम दिस इज योर वेरिफिकेशन। एक अपन विड्रॉ करते हैं 25,100, एक 25,000 इससे छोटा और एक 26,000 इससे बड़ा, टोटल कितना है, इसका मतलब पहला अपना आएगा इज ए ट्रांसफर कॉस्ट, याद है ट्रांसफर कॉस्ट अपन क्या बोलते थे, ट्रांसफरिंग 20 रुपीज पर कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ना, इसका मतलब 1260 डिवाइडेड बाई 25,100 इंटू 20, 1260 25,000 इंटू 20, 1260 डिवाइडेड बाय 26,000 इंटू 20, देन सही है सुमन, याद आ रहा है फ्रेंड्स, हाफ ऑफ 25,100, हाफ ऑफ 26 इंटू 0.08 टोटल, ठीक है, इट मीन्स 25,100 डिवाइडेड बाई 2 into 0.08 is
1004, 25,000 divided by 2 into 0.08 is 1000, 26 divided by 2 into 0.08, 1040, then 1260 divided by 25,100 into 20 is 1004. मैंने बताया था ना EOQ में आपका दोनों अमाउंट सेम रहेगा, याद है? 1260 डिवाइडेड बाय 25,000 इनटू 20 इज 1008. 1260 डिवाइडेड बाय 26,000 इनटू 20 इज 969. 1004 प्लस 1004 इज 2008. 1008 प्लस 1000 इज 2008. 969 प्लस 1040 इज 2009. देखो सबसे कम आपका कॉस्ट कहाँ पे आ रहा है, ये तो थोड़ा फ्रैक्शन की वजह से ऐसा हो गया, अदरवाइज आपका सबसे कम जो कॉस्ट आ रहा है, सबसे जो कम कॉस्ट आ रहा है वो आपका यहाँ पे आ रहा है. आर यू फॉलोइंग माय फ्रेंड्स? परफेक्टली क्लियर? नो कन्फ्यूजन? बोलिए.